अल्लामा फरमा रहे हैं, द फेटलिज्म इम्प्लाइड इन दिस एटीट्यूड इज नॉट नेगेशन ऑफ द एगो एज स्पेंगलर सीम्स टू थिंक, इट इज लाइफ एंड बाउंडलेस पावर विच रिकग्नाइजेज नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड कैन मेक अ मैन कॉमली ऑफर हिज प्रेयर्स व्हेन बुलेट्स आर शावरिंग अराउंड हिम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون। شروع اللہ کے نام سے جو الرحمن الرحیم ہے، کل حمد اور کل شکر اللہ کے لیے ہے جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا جو دو دو، تین تین اور چار چار پروں والے ہیں۔ اللہ اضافہ کرتا رہتا ہے تخلیق میں جو چاہتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو رحمت کا دروازہ بھی اللہ لوگوں کے لیے کھول دے تو اسے بند کرنے والا کوئی نہیں، اور جسے وہ روک لے تو پھر اسے کوئی جاری کرنے والا نہیں ہے، اور یقیناً وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ اے لوگوں، اللہ کے لیے اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے جو تمہیں رزق بہم پہنچاتا ہو آسمانوں سے اور زمینوں سے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، تو تم کہاں سے الٹے پھرائے جا رہے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ رہی عمر بھر جو انیس جاں وہ بس آرزو نبی رہی، کبھی عشق بن کے رواں ہوئی، کبھی درد بن رہی عمر بھر جو انیس جاں سر داشت زیس برس گیا جو صحاب رحمت مصطفیٰ سرداشت زیس برس گیا جو صحابِ رحمتِ مصطفیٰ
नखरत की बेसमरी रही, न जुनून की तृष्णा लबी रही, रही उम्र भर जो अनीसे जान, वो सफा का मेहरे मुनीर है, तलब उसकी नूरे जमीर है, वो सफा का मेहरे मुनीर है, तलब उसकी नूर है ज़मीर है, यही रोज़गारे फ़कीर है, यही इल्तिजाए शबीर ही, रही उम्र भर जो अनीसे जान। नहमदुहु व नुसल्लि व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब, अल्लाह की तौफीक से आज हम रिकंस्ट्रक्शन के पहले लेक्चर के दूसरे हिस्से पे बात कर रहे हैं, यानी दूसरा हिस्सा वही माना कि हमने दो लेक्चर्स में, दो नशिस्तों में इस लेक्चर पे गुफ्तगू करनी थी। बहुत सारे मज़ामीन हैं जो शायद हम उसका कोई ज़िक्र ही ना कर सके हों, क्योंकि जितना वक्त मुयस्सर है उसमें चंद मबाहिस को ही समेटा जा सकता है, सारे जो मबाहिस हैं खुद पे उनका अहाता बहुत मुश्किल है। तो कोशिश ये थी कि जो ज़रूरी ज़रूरी मबाहिस हैं जिनका ताल्लुक इस खुतबे के मरकज़ी ख्याल के साथ है, इस खुतबे के अहम मबाहिस के साथ है, और हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं अमली, दीनी, फ़िक्री, और अल्लामा इकबाल को आज के जो मामलात हैं, इश्यूज़ हैं, उनके वाले से समझने के साथ है, उन चीज़ों को हम ज़रा फोकस कर लें। तो जो पहले नशिस्त में हमने जो बातें की हैं, थोड़ा सा मैं एक दो मिनट में उनका जल्दी जल्दी आपके सामने खुलासा रख देता हूँ ताकि हमें चीज़ें कनेक्ट करने में आसानी हो। इसमें हमने सबसे पहले ये बात देखी थी, इब्तदाई मबाहिस, जिसका मुख्तसर यही अर्ज़ करूँगा कि अल्लामा ने इन खुतबात के अंदर जदीद उलूम को भी पढ़ता है, साइंस को भी, फ़लसफे के अफकार को भी, और मकसद सिर्फ़ ये है कि वो ये साबित कर सकें कि वही ज़रिया इल्म है, मुस्तनद ज़रिया इल्म है, और तमाम ज़राए इल्म से ज़्यादा मुस्तनद ज़रिया इल्म है, जिसके ऊपर आप अपनी ज़िंदगी की, अपने नज़रिया हयात की और अपनी अप्रोच की बुनियाद रख सकते हैं। और ये वो बुनियाद है जो आपको यकीन, इस्तेहकाम और कुव्वत अमल फराहम करती है। यानी मतलब ये हुआ कि अल्लामा ने दीन की और कुरान हकीम की तस्बीत को टारगेट बना के जदीद उलूम को आर्गुमेंट के तौर पे लाके अपनी बात को आगे बढ़ाया है। कहीं जदीद उलूम और कुरान मजीद की फ़िक्र में तफरीक पैदा की है, कहीं तत्बीक पैदा की है, मकसद वही है कि वो अपने थीसिस को एस्टेब्लिश कर सकें। क्योंकि मगरबी अफकार के तहत मादियत, साइंसी उलूम ये इतने ज़्यादा गालिब आ रहे थे कि रूहानियत, वही और वही से जो मिलने वाला निज़ाम है वो पस मंज़र में जा रहा था। तो उस कमी को पूरा करने के लिए अल्लामा ने इन खुतबात का जो है वो आगाज़ किया कि मुस्लिम ज़ेहन जदीद तहकीकात की चकाचून में इतना मगलूब ना हो जाए, उससे इतना मरगूब ना हो जाए कि वो अपनी बुनियादों को छोड़ बैठे। उसके बाद फिर अल्लामा कुरान हकीम का जो नुक्ता नज़र है कायनात और इंसान के बारे में, इस पर बात करते हैं, इसको उन्होंने मौजू कलाम बनाया है। और उसके बाद फिर इंसान की अपने खालिक के साथ, इस कायनात की सबसे बड़ी हकीकत के साथ जो ताल्लुक़ है,
उसको एस्टेब्लिश करने के लिए रूहानी असास को फराहम करने की अल्लामा ने बात की है। और उसके बाद फिर रूहानी मुशाहदे पे यहाँ से बात आ जाती है। जब रूहानी मुशाहदे पे बात आती है तो अब रूहानी मुशाहदे की अहमियत को अल्लामा ने इलाबोरेट किया है और यहाँ अल्लामा ये फरमाते हैं कि इंसानी फ़िक्र और जो ईमान है, हमने इसकी हकीकत को समझ के और इसकी तासीर का इदराक करके हम रूहानी मुशाहदे को समझ सकते हैं। अल्लामा ये फरमा रहे हैं कि इंसानी फ़िक्र और ईमान, या दूसरे लफ्ज़ों में विजदान और इंसानी फ़िक्र, ये असल में एक ही रूट से फूटते हैं, इनकी असल एक है। अब ये बात जब अल्लामा कहते हैं तो यहाँ एक नुक्ते का इजाफा करते हैं कि फ़िक्र किसी भी तौर पर विजदान के मुखालिफ नहीं है, विजदान के मुतजाद नहीं है, और बल्कि ये कहना चाहिए कि विजदान भी फ़िक्र ही की तरक्की याफ्ता सूरत है। फिलअसल फ़िक्र ही है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि ये एक लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम की सूफियाना फ़िक्र की रवायत में अल्लामा इकबाल का एक एडिशन है, अल्लामा इकबाल का एक इज्तिहाद है। यहाँ उन्होंने गजाली से इख्तलाफ किया है, सूफिया से इख्तलाफ किया है, कि जो ये कहते हैं कि इंसानी फ़िक्र नारसा है, उसकी अप्रोच बड़ी लिमिटेड है। फरमाते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि ये इब्तदाई स्टेज है विजदान की, और जितनी इंसान की फ़िक्र मुज़क्का होगी, उसका तस्किया हो चुका होगा, उसकी तरबियत हो चुकी होगी, उतना ही ज़्यादा उसका विजदान भी हकायक तक रसाई रखने की इस्तेदाद रखता होगा। और अब इन दोनों के दरमियान, इंसानी फ़िक्र और विजदान के दरमियान, अल्लामा इम्तियाज़ भी हाईलाइट करते हैं और इनके जो कॉमनलिटीज़ हैं उनको भी बयान करते हैं। और यहाँ वो बुनियाद फराहम करते हैं उस रूहानी मुशाहदे की जिसकी तरफ वो हमें ले जाना चाहते हैं। फ़र्क क्या है? अल्लामा फरमाते हैं कि फ़िक्र जो है वो हमारे ज़माने मुतसलसल में काम करती है, यानी जो हमारा डे टू डे बतदरीज आगे बढ़ने का समा है, ये जो हमारी रूटीन की ज़िंदगी है, इस अंदाज से फ़िक्र आगे बढ़ती है, जबकि विजदान में हमें ज़माने खालस का तजर्बा होता है, यानी वहाँ पर हकायक का बयक आन इनकशाफ होता है, हकीकत का, जिस तरह की भी हकीकत हमारे पेश नज़र होती है उसका बयक आन हमें, उसका इनकशाफ होता है। फ़िक्र मंतकी फहम के तकाजे पूरे करके आगे बढ़ती है, जबकि विजदान मंतकी फहम का पाबंद और उसकी कैदों से मावरा होता है, अकल से मावरा काम करता है। फ़िक्र बतदरीज आगे चल रही है, जैसे बीज के अंदर पूरा दरख्त है लेकिन उस दरख्त का ज़हूर बीज से वक्त के साथ बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन विजदान उस पूरी हकीकत का बतौर एक वहदत के, बतौर एक यक लम्ही इंकिशाफ के उसको कैप्चर कर लेता है। फ़िक्र ज़ाहिरन फाइनाइट लगती है, मुतनाही लगती है, लेकिन विजदान लामुतनाही है। फ़िक्र का महल इंसानी अकल है और विजदान का इंसानी कल्ब है, इस पर भी हम बात मुख्तसरन कर चुके हैं। अब जब ये इन दोनों के फ़र्क बयान करने के साथ, अब फिर इसकी जो नुक्ता इश्तराक है, कॉमनलिटीज़ हैं, वो बयान करते हैं। पहली बात ये कहते हैं अल्लामा कि विजदान लामुतनाही है, तो फ़िक्र भी अपनी निहाद में लामुतनाही है, यानी इसको बिल्कुल आप मुतनाही नहीं कह सकते, क्योंकि अगर फ़िक्र मुतनाही ही हो तो फिर उसके अंदर गैर मामूली इल्मी इंकशाफात की तरफ बढ़ने की इस्तेदाद और सलाहियत कभी भी हम ना पा सकते। दूसरी बात क्या है कि अकल और विजदान दोनों के अंदर एक वकूफ़ी पहलू है, एक कग्निशन की डायमेंशन है, का एस्पेक्ट है, दोनों में एक इदराकी सलाहियत है। उसके बाद फरमाते हैं कि दोनों के तजर्बात और उनके तजर्बात के हासिलात मोतबर हैं, यानी फ़िक्र जिस तजर्बे से गुजर के हमें किसी नतीजे पे पहुंचाती है, जिस तरह वो काबिल एतबार है, बैन ही विजदान के तजर्बे से मिलने वाले जो नतज और हासिलात हैं वो भी उसी तरह काबिल एतबार हैं। और आखिरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अल्लामा फरमाते हैं जिस तरह फ़िक्र के हासिलात को तनकीद से गुजारा जाना जायज़ है, इसी तरह विजदान के हासिलात को भी तनकीद के अमल से गुजारना कोई बेअदबी का अमल नहीं है,
بلکہ اسلامی تصوف نے اس کے لیے پوری پیراڈائمز اور پورا ایک میکانزم فراہم کیا ہے جس کے تحت اس کو خود روحانی واردات کو اور روحانی کیفیات کو روحانی تجربات کو بھی ہم گزار سکتے ہیں تجربے سے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ بتدریج ہمیں لے کے آ رہے ہیں روحانی تجربے کی طرف, مذہبی تجربے کی طرف. جب ہم مذہبی تجربے کی بات کرتے ہیں تو شاید پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے کہ مذہبی تجربے سے مراد علامہ کی روحانی تجربہ ہے, صوفیانہ تجربہ ہے. اب یہ چونکہ سکت یہ اصطلاح رائج تھی ریلیجیس ایکسپیرینس, تو علامہ نے اس اصطلاح کو استعمال کیا. لیکن عام طور پہ تو ہمارے یہاں مذہب کا مفہوم بالکل مختلف ہے نا, وہ روحانیت کے مقابلے ایک حقیقت سمجھی جاتی ہے. یہ آدمی مذہبی ہے, گویا کہ وہ دین کے ریچولز کا پابند ہے, دین کے ریچولز پہ بلیو کرنے والا, یہ روحانی ہے. یہ دین کی باطنی جو جہت ہے, سو ڈائریکٹ ڈائمینشن ہے, اس کو اہمیت دینے والا آدمی ہے. تو جب علامہ مذہبی تجربے کی یا ریلیجیس ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو اس سے ان کی مراد اسپریچول ایکسپیرینس ہے, مسٹک ایکسپیرینس ہے. اور انہوں نے ساتویں خطبے میں اس کی وضاحت بھی کر رکھی ہے, خود بھی اس کو بیان کیا ہوا ہے. اب یہ جی باتیں ابتدائی ہو گئیں جن پہ ہم پہلے بات کر چکے تھے. اب علامہ فرما رہے ہیں کہ ہم کیوں روحانی مشاہدے کی بات کرتے ہیں, اس کا سبب کیا ہے. فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی کے چیلنجز ہیں ان چیلنجز سے عہدہ برآ ہونے کے لیے جس یقین کی ضرورت ہے وہ یقین ہمیں ملتا ہے روحانی تجربے سے, ریلیجیس ایکسپیرینس سے ملتا ہے, روحانی واردات سے ملتا ہے. یعنی یہ انسان کو بہت بڑی ذمہ داری دے کے اللہ نے بھیجا ہے. یہ قرآن مجید کی آیات آئے مبارکہ سورہ احزاب کی علامہ لے کے آئے ہیں جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جب پوری کائنات کو پیدا کر لیا تو اب ایک امانت تھی جو اللہ نے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, تو ہر ایک نے اس سے جو ہے وہ کیا کیا, انکار کر دیا. ہم نے اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتے. ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها, یعنی وہ لرز گئے, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے بس کی بات نہیں اتنا بڑا بوجھ اٹھائیں. وہ ہمارا حال انسان, انسان اس کو اٹھا لیا. انہ کان ظلوما جہولا, کیونکہ وہ بڑا ظالم اور بڑا حقائق نہ جاننے والا ہے. تو اپنے ان دو اوصاف کے سبب سے ظلوم اور جہول ہونے کے, جی دیکھیں نا جی, اب پھر انسانی غیرت تو جوش میں آئی ہے نا, اتنا بڑا ہم الزام لگایا جا رہا ہے اور ہم چپ بیٹھے رہے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا جناب. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو دو اوصاف ہیں ظلوم اور جہول, جاہل ہونے کے, اس کی بالکل مختلف وضاحت کی ہے اہل تصوف نے. میں ایک ریفرنس دوں گا, اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ضرور دیکھیں محبوب شبستری کی کتاب ہے گلشن راز, اس میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے. ظلوم کا مطلب کیا ہے کہ انسان نے اللہ کی محبت میں اپنے ظلم, کہتے ہیں بنیادی طور پہ عدل کو قائم نہ رکھنا, جو چیز آپ اٹھا نہیں سکتے, جو چیز آپ کی حد سے ماورہ ہے اس کو بھی اٹھا لینا. اور جہل کا مطلب یہ ہے کہ حقائق سے آگاہ نہ ہونا. محبوب شبستری نے لکھا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے یہ بوجھ اللہ کی محبت میں اٹھایا اور اتنا اٹھا لیا جو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا. جب اللہ کی طرف سے آفر آئی یا اللہ کی طرف سے پیشکش آئی یا اللہ کی طرف سے حکم آیا یا اللہ کی طرف سے ایک تجویز آئی کہ تم اٹھا لو, تو انسان نے اس کو انکار نہیں کیا. یہ انسان اور بقیہ مخلوقات میں فرق ہے. بقیہ مخلوقات نے کیا کیا, اپنی سکت کو دیکھا, اپنے نفع نقصان کو دیکھا, انسان نے نہیں دیکھا. انسان نے کہا اگر میرے مولا کو یہ مقصود ہے کہ میں اس بوجھ کو اٹھانے والا بنوں تو میری گردن آزر ہے, میرے سر پہ رکھ دیں. جہولا, اس نے آنکھیں بند کر لیں جو اس کے نتیجے میں غیر معمولی نتائج نکلنے تھے, بھیانک نتائج, انسان نے ان کو بھی سینے سے لگا لیا. بنیادی طور پہ اس کا یہ مطلب ہے. یعنی اور یہ حقیقت ہے, آپ دیکھیں یہ انسان کی افتاد میں ہے. علامہ نے اس پہلے خطبے میں ایک جگہ لکھا بھی ہے کہ جب انسان کوئی کام کرنے پہ آ جائے, علامہ کہتے ہیں انسان کی اسی خطبے میں ایک جگہ کہ انسان کی حیثیت پھول کی پتی سے بھی کمزور ہے. انسان کا جو وجود ہے پھول کی پتی سے بھی کمزور ہے. یہ کائنات بڑی سخت ہے, یہ کائنات بڑی تلخ ہے, اپنے حادثات, اپنے وجود, اپنے موجودات اور اپنے واقعات کے لحاظ سے.
लेकिन इंसान को अल्लाह ने अजीब मखलूक बनाया, जब ये कोई काम करने का इरादा कर लेता है तो फिर बड़े बड़े पहाड़ भी इसके सामने नहीं ठहर सकते। ये हर तरह के खतरे को सीने से लगाने के लिए तुल जाता है, चाहे यानी क्यों ना चली जाए। तो जुलूमन जहूला का यह मतलब है कि जब अल्लाह की तरफ से इमानत इंसान को सौंपी जाने का फैसला हुआ, फिर उसने नतीजे को नहीं सामने रखा, उसने उसको उठा लिया। अच्छा, अब अल्लामा ये कह रहे हैं, हाँ जी अमानत क्या है, बिल्कुल इस पर भी बहुत डिबेट है जी। अकल उस अमानत को सहारने का मीडियम है। अमानत बुनियादी तौर पे, देखें जब अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया तो क्यों पैदा किया, जाहिर है बुनियादी तौर पे ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान के इनकिशाफ का नाम है, अल्लाह की शानों के ज़हूर का नाम है। अल्लाह ने ये चाहा कि उसकी वो मख्फी शानें जो छुपी हुई थी उसके ज़ात के अंदर, उनका इजहार हो। अब वो इजहार तभी बामाना बनता है कि उस इजहार का बाशऊर और बामाना एतराफ भी हो। बुनियादी तौर पे मार्फत खुदाबंद जो है वो अल्लाह का मकसूद था, और वो जो मार्फत है अल्लाह की, वो अल्लाह ने फरीज़ा इंसान को सौंपा है। उस मार्फत तक पहुँचने का रास्ता अकल है, फ़िक्र है, विजदान है, ये जितने मीडियम्स हैं, ये जितने ज़राए हैं, वेज एंड मीन्स हैं, ये उस मार्फत तक पहुँचने के हैं। तो यही वजह है ना, आप देखें नमा यक्षल्ला मिन इबादिहिल उलमा, जो अल्लाह के आरिफ हैं वही अल्लाह के मकाम को जानते हैं। जितना कोई बड़ा आरिफ है उतना ही खाइफ है अल्लाह से, उतना ही अल्लाह को जानता है, उतना ही अल्लाह के बारे में मोहताद है। दिल लजीना ऊतुल इल्म दराजात, जिन कुरान मजीद है, जिनके पास अल्लाह का इल्म है उन्हीं के लिए बुलंदियाँ हैं। अर्रहमान फसअल बिही खबीरा, रहमान कौन है, उसे ही पता है जिसके पास अल्लाह की खबर है, अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की मार्फत है। तो बुनियादी तौर पे अगर आप सारी इंटरप्रटेशन को सामने रखें तो जो एक काबिल एतमाद इंटरप्रटेशन सामने आती है वो ये है कि जो अमानत अल्लाह ने सपोर्ट की थी इंसान के, वो क्या था, वो बुनियादी तौर पे अल्लाह की मार्फत को पाना था। और तमाम निज़ाम इबादत को देख लें, इंसान की ज़िंदगी के सफ़र को देख लें, इस कायनात के सफ़र को देख लें, उसकी आखिरी मंजिल आपको यही नज़र आएगी, इन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, कि आखिरी मंजिल क्या है, वो ज़ात हक तक पहुँचना है। अब अल्लामा ये कह रहे हैं कि ये जो इतना मुश्किल इंसान का सफ़र है, इसके अंदर इन चैलेंजेस में जब तक हमें कोई मजबूत असास नहीं मिलेगी तो उस वक़्त तक हम इस्तेकामत के साथ कायम नहीं हो सकते और इस्तेकामत के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। अब ये जो मजबूत बुनियाद है, अल्लामा कह रहे हैं ये मजबूत बुनियाद आपको मिलती है रूहानी तजर्बे से। अब मैं यहाँ अल्लामा का जुमला आपके सामने पढ़ना चाहूँगा ताकि थोड़ा सा इसका मतलब क्लियर हो जाए। अल्लामा फरमा रहे हैं, ये पहले खुतबे का पेज नंबर 9 और 10 है, यानी 9 का एंड और 10 की इब्तिदा। फरमा रहे, व्हेन अट्रैक्टेड बाय द फोर्सेस अराउंड हिम मैन हैज़ द पावर टू शेप एंड डायरेक्ट देम, व्हेन थॉटेड बाय देम ही हैज़ द कैपेसिटी टू बिल्ड अ मच वास्टर वर्ल्ड इन द डेप्थ्स ऑफ हिज ऑन बीइंग, हिज ऑन इनर बीइंग wherein he discovers sources of infinite joy and inspiration, hard his lot and frail his being like a rose leaf, yani wo itna nazuk hai jitna rose gulab ki patti ho, yet no form of reality is so powerful, so inspiring and so beautiful as the spirit of man, thus in his inmost being man as conceived by the Quran is a creative activity, an ascending spirit who in his onward march rises from one state of being to another, yani wo insaan, ab allama uske imkanat ko bayan kar rahe hain ki jiske ird gird aisi forces hain jo uske liye antagonistic hain, lekin allah ne usko ek inner ek aisi capacity di hai ki wo in sari forces ko apne haq mein mold kar sakta hai, और जब ये फोर्सेस उसके ख़िलाफ़ मुज़ाहिम होती हैं तो अपने बातन में कायनात तख्लीक कर लेता है, जो कायनात उसके खारिज का प्रोटोटाइप बन जाती है। अगरचे वो देखने में फूल की पत्ती से ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन उसके अंदर जो ताकत अल्लाह ने रखी है, जो इंस्पायरेशन रखी है, जो कुव्वत रखी है, जो क्रिएटिव एक्टिविटी रखी है, उसका मुकाबला कायनात की कोशिश नहीं कर सकती।
اب یہ جو انسان کے باطن کے امکانات ہیں، ان امکانات کو انسان نے ڈسکور کرنا ہے، اور جب ان کو ڈسکور کر لیتا ہے پھر کیا بنتا ہے؟ یہ پیج نمبر 10 ہی ہے جی، آگے علامہ چلتے ہوئے فرماتے ہیں، اٹ از دی لاٹ آف مین ٹو شیئر ان دا ڈیپر ایسپائریشنز آف دی یونیورس اراؤنڈ ہیم اینڈ ٹو شیپ ہز آن ڈیسٹینی ایز ویل ایز دیٹ آف دی یونیورس۔ کتنی بڑی بات ہے، یعنی اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ وہ اپنے اور اپنے ماحول کے مقدر کی تشکیل نو کر سکتا ہے، نو بائی ایڈجسٹنگ ہم سیلف ٹو اٹس فورسز، نو بائی پٹنگ دا ہول آف ہز انرجی ٹو مولڈ اٹس فورسز ٹو ہز آن اینڈز اینڈ پرپزز۔ اینڈ اب کمال بات فرماتے ہیں، اینڈ ان دس پروسیس آف پروگریسو چینج گاڈ بیکمز اے کو ورکر ود دیم پرووائڈیڈ دیٹ مین ٹیکس دا انیشیٹو۔ فرماتا ہے کہ اگر انسان اس کام کا آغاز کر دے تو اللہ اس کا کو ورکر بن جاتا ہے۔ اب کہنا یہ چاہیے تھا نا، بندہ اللہ کا کو ورکر بنتا ہے، چھوٹا بڑے کا وہ کو ورکر ہوتا ہے نا کہ بڑا چھوٹے کا کو ورکر ہوتا ہے۔ اب علامہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ اب جب تک حدیث احسان کو ذہن میں نہ رکھیں آپ یہ اس جملے کا مفہوم نہیں کھلتا، کہ جب بندہ اللہ کی منشا پہ کاربند ہو جاتا ہے تو اللہ بندے کے ہاتھ پاؤں آنکھیں سوچ کان سب بن جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا بندے کا کو ورکر بننا، اور اس کا آغاز انسان نے کرنے، آگے وہ آیا مبارکہ لے کے آئے ہیں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، آغاز آپ نے کرنا ہے، جب تک انسان خود اپنے انفس کی گہرائیوں میں تبدیلی کا آغاز نہ کر لے، خالق کائنات پیش قدمی نہیں کرتا، پیش قدمی انیشیٹو آپ نے لینا ہے، انیشیٹو انسان نے لینا ہے، یہ ہے اللہ کے انسان پہ اعتماد، یہ ہے وہ امانت جو اللہ نے انسان کے سپرد کی ہے۔ دیکھیں امانت اس کے سپرد کی جاتی ہے جس پہ اعتماد ہو، اللہ کو کائنات کی پوری کائنات میں کسی چیز پہ اتنا اعتماد نہیں تھا جتنا انسان پہ تھا۔ دیکھیں نا، اگر آپ ماڈرن سائنسز اور ایولیوشن تھیریز کو بھی دیکھیں تو ارتقا ہوتے 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 انسان بھی آ کر ہوگا، انسان کے بعد تو کوئی چیز نہیں بنی، صدیاں کتنی گزر گئیں، کتنے زمانے گزر گئے، ملین اینڈ بلین آف ایئرز، اور یہ بھی ہے کہ آدم کی بھی کتنی نسلیں گزر گئیں، آدم علیہ السلام سے پہلے بھی کتنے آدم تھے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا رہا، لیکن آدم کے بعد تو کوئی آدم نہیں، سپیریئر کریشن کوئی نہیں آئی۔ مطلب اللہ نے انسان پہ اعتماد کیا ہے، اپنی اس کریشن پہ اعتماد کر کے اس کے کوئی امانت سپرد کی ہے، اب اس امانت کو منجام تک پہنچانے کے لیے، کمال تک پہنچانے کے لیے انیشیٹو انسان نے لینا ہے۔ یہ علامہ عیسیٰ مبارک کر کے اخذ کر کے ہمیں بات بتا رہے ہیں۔ تو کیا ہوا جناب، بات یہ ہوئی کہ یہ جو انسان کے اندر اللہ نے ایک استعداد رکھی ہے روحانی مشاہدے کی، یہ روحانی مشاہدے کی اس استعداد جو ہے یہ آگے چل کر کے اس کو ایک اساس فراہم کرتی ہے، اور وہ ذات حق کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد علامہ فرماتا ہے یہ جو روحانی مشاہدہ ہے یہ کوئی اندھا دھند ایکٹیویٹی نہیں ہوتی، اس کے اندر کگنیشن ہوتا ہے، اس کے اندر ادراک ہوتا ہے، اس کے اندر آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہ قابل ابلاغ ادراک ہوتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو پھر تو مذہب چند لوگوں کی اجارہ داری بن جائے، روحانیت چند لوگوں کی اجارہ داری بن جائے، ایسا نہیں ہے، یہ انسانیت کی اجارہ داری ہے۔ علامہ فرما رہے ہیں روحانی مشاہدہ جو ہے یہ انسانیت کا وصف ہے، یہ بنی نوع انسان کی کیپیسٹی ہے، اس لیے آگے ایک جگہ علامہ نے فرمایا بھی وہی خاصہ حیات ہے۔ آپ دیکھیں وہی اور حیات کا ایک ہی اوریجن پہ چلے جائیں تو اوریجن دونوں کے مل جاتے ہیں۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ روحانی مشاہدے کی جو روحانی واردات، روحانی مشاہدات کو آپ با ادراک ہونے کی وجہ سے ایک کریٹیک سے گزار سکتے ہیں، اس کو جج کر سکتے ہیں، اور اس کو جج کرنے کے دو طریقے علامہ فرماتے ہیں، ایک علمی ہے، عقلی ہے، اور ایک نتائج پریکٹیکل ہے۔ نتیجہ اور پریکٹیکل کے لحاظ سے جو طریقہ، وہ انبیاء کا طریقہ ہے، جو وہ بات کہتے ہیں وہ معاشرے میں ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو عقلی طریقہ ہے وہ اہل علم کا طریقہ ہے۔ تو علامہ نے ظاہر ریکنسٹرکشن کے اندر اپنے اس عقلی میتھڈ کو استعمال کر کے دوسرے چیپٹر میں اور پھر ساتویں چیپٹر میں اس چیز کو اسٹیبلش بھی کیا ہے کہ روحانی مشاہدہ کس طرح سے ایک با ادراک ذریعہ علم ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہنے کے بعد جناب، اب ہم آ جاتے ہیں روحانی مشاہدے کی تفصیلات۔ جب روحانی مشاہدے کی تفصیلات پہ آتے ہیں تو اس میں جو چیز بہت علامہ نے ہائی لائٹ کی ہے وہ روحانی مشاہدے کی خصوصیات ہیں۔ یعنی دیکھیں ہم بتدریج چیزیں آپ کو لے کے جا رہے ہیں نا، یعنی ساری ڈسکشنز ہوتے ہوتے بات کہاں تک پہنچی کہ جو فکر اور وجدان کا تعلق کیا ہے، فکر اور وجدان کی کیپیسٹی
का मसरफ क्या है कि आप रूहानी मुशाहदे की अहलियत रखते हैं। जब रूहानी मुशाहदे तक आप पहुंच गए और रूहानी मुशाहदे की ज़रूरत के बारे में आप कायल हो गए कि आपको इस पूरी कायनात के अंदर, इस बड़ी वसी और इस कायनात के अंदर जिसकी दौरानिए कहीं हमें पता नहीं, एक बड़ी महीब और फैली हुई कायनात है, इसमें बेखौफ होने के लिए, मुस्तहकम और मुस्तकीम होने के लिए जो बुनियाद चाहिए वो रूहानी मुशाहदे पर बेस्ड होगी। तो अब अगला मसला यह कि रूहानी मुशाहदे की खसूसियात का पता होना चाहिए कि हम उसको जज कर सकें कि ये चीज़ें होंगी तो रूहानी मुशाहदा हम उसको समझ सकेंगे या उसके कोई एनालिसिस कर सकेंगे या उससे कोई इस्तेफादा कर सकेंगे। खसूसियात पर जाने से पहले दो बातें मैं कहना चाहूँगा। पहला ये कि ये रूहानी मुशाहदा या स्पिरिचुअल रिलीजियस एक्सपीरियंस इतनी बड़ी, इतना बड़ा थीम है, ये पूरी रिकंस्ट्रक्शन पर छाया हुआ है। यानी सातों के सातों खुतबात में आपको किसी न किसी तौर रूहानी मुशाहदे का जिक्र मिलता चला जाता है। और बल्कि अगर आप ये कहें कि ये खुद रिकंस्ट्रक्शन भी अल्लामा इकबाल का एक रूहानी मुशाहदा है तो ये कोई मुबालका नहीं होगा। या एक जाती सी बात अर्ज़ कर दूँ, वैसे तो बड़ी बुरी बात जाती बातें कहना गुफ्तगू में, लेकिन सिर्फ इलाबोरेट करने के लिए इस पॉइंट को कि मेरी एक किताब आई तो उसके अंदर मैंने रिकंस्ट्रक्शन पे एक लिखा था, उसका एक चैप्टर, तो उसमें मैंने ये बात लिखी कि रिकंस्ट्रक्शन जो है ये अल्लामा इकबाल का रूहानी तजर्बा है। तो मैं अल्लाह गरीब रहमत करे डॉक्टर जावेद इकबाल साहब को उनकी खिदमत में पेश किया, जी सर आप इस पे कुछ लिख दें। तो उनकी आदत थी वो जब तक पूरा पढ़ न लें और बड़ी पूरी हॉनेस्टी के साथ लिखते नहीं थे। तो उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने जो दिबाचा मुझे लिख के दिया अपनी तारीफ से नवाजा, उसमें उन्होंने लिखा कि ये जो बात इन्होंने लिखी है कि रिकंस्ट्रक्शन अल्लामा इकबाल का रूहानी तजर्बा है, ये बिल्कुल एक नया तारफ है रिकंस्ट्रक्शन का और हमने आज तक इस तरह रिकंस्ट्रक्शन को देखने की नहीं किया, कभी हमारा इस तरफ जहन नहीं गया। लेकिन अगर आप रिकंस्ट्रक्शन के कंटेंट्स को देखें, रिकंस्ट्रक्शन के अंदाज़े बयान को देखें, बल्कि यहाँ मैं नज़ीर नियाजी साहब के एक बयान का हवाला देना चाहूँगा कि वो जब उन्होंने बताया कि मैं रिकंस्ट्रक्शन पढ़ने के दौरान कई इसके मबाहिस जो थे वो मेरी गिरफ्त में नहीं आते थे, तो मैंने अल्लामा की खिदमत में अर्ज़ किया कि जब मैं पढ़ता हूँ तो मुझे कई बातों का नहीं होती, फहम नहीं होता। तो अल्लामा ने फरमाया कि मैंने भी लिखते हुए बहुत सी बातें इसमें ऐसी लिखी हैं जो शौरी तौर पर मेरे कलम से नहीं निकली, यानी जब मैं लिख रहा था तो लाशौरी तौर पर बहुत से मबाहिस उसके अंदर आ गए। आप इसको बार बार पढ़ें तो ज़रूर आपको उसका तजर्बा भी होगा और आपको उसका फहम भी मिलेगा। मतलब ये है कि जब आप रिकंस्ट्रक्शन के मबाहिस को पढ़ते हैं तो इसमें सिर्फ अकली जो इकदाम वसाइल थे हम देखते हैं कि अल्लामा उन्हीं पे डिपेंड करके नहीं लिख रहे, बहुत सी चीज़ों को अल्लामा इस तरह यहाँ बयान किया है, जैसे आप यहाँ तकदीर के मबाहिस से गुजरते हैं पढ़ते हैं या कायनात के इब्तिदा के वाले से मबाहिस को पढ़ते हैं, ज़ात बारी ताला के वाले से मबाहिस को पढ़ते हैं, सिफात खुदावंद के बारे में मबाहिस को पढ़ते हैं, तो इंसान दंग रह जाता है कि सदियों के अरसे पर फैले हुए मबाहिस को अल्लामा ने किस तरह कितने काबिल फहम अंदाज से चंद जुमलों में समो के इन खुतबात का हिस्सा बनाया। तो एक तो ये बात है कि ये पूरी किताब के अंदर रूहानी जो मुशाहदा है या रिलीजियस एक्सपीरियंस है इसका मबहस आपको किसी ना किसी सूरत में मिलता है। जब आप खुतबात को देखते हैं तो दो सतह पे रिलीजियस एक्सपीरियंस या आप रूहानी तजर्बा या रूहानी मुशाहदा फंक्शनल होता हुआ नज़र आता है, एक है इनफरादी सतह और दूसरी इज्तमाई सतह। इनफरादी सतह में पर एतिकादी तौर पर या फिक्री तौर पर हमारे सामने रूहानी मुशाहदा आता है वही और इल्हाम की सूरत में। इज्तमाई सतह पर, अमली सतह पर जो रूहानी तजर्बा है वो आता है सिफात खुदावंद से मुतसिफ होकर खारिज में इफेक्टिव होने की सूरत में। ये दो जिहाद जो हैं वो हमें बताती हैं कि रूहानी मुशाहदा जो है वो पूरी ज़िंदगी को अपने इहाते में लिया हुआ है। अब एग्जैक्ट अगर आप डिफाइन करना चाहें अल्लामा के अल्फाज में कि हम किस चीज़ को रूहानी तजर्बा कहें, किस बात को, किस फिनोमेना को कहें ये है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। देखा ना, ये मेरे पास किताब है, ये जी मैं कहता हूँ ये किताब, ये मोबाइल है, ये डाइस, ये फलां, किसी चीज़ का उन्वान देना पड़ेगा ना, वो क्या है। अल्लामा की अब रिकंस्ट्रक्शन देखते हैं तो हमें इस सवाल का भी जवाब मिलता है। अल्लामा के नज़दीक
ये जो रूहानी मुशाहिदा होता है इनिशियल स्टेज में, ये इंसान के शऊर के मावराए हवास सरचश्माए ताकत या सरचश्माए हयात या सरचश्माए हदायत के साथ मुत्तसिल हो के उससे इनलाइटन होना है। ये पहली स्टेज है। यहाँ से स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का या मिस्टिक एक्सपीरियंस का या रिलीजियस एक्सपीरियंस का आगाज़ होता है। कहाँ से आगाज़ होता है जी? इंसानी हवास के बाला तर सतह, जहाँ इंसानी हवास नहीं पहुँच सकते, इंसानी शऊर जब उसके साथ कनेक्ट होता है, वो क्या है? वो ज़ात हक का सरचश्मा हिदायत है। वहाँ से उसके मुनव्वर होने का आगाज़ होता है। अब देखें, मैं यहाँ अल्लामा का जुमला पढ़ना चाहूँगा। अल्लामा फरमाते हैं, दी ट्रुथ इज़, ये पेज नंबर 2021 है जी, दी ट्रुथ इज़ दैट इन अ स्टेट ऑफ रिलीजियस पैशन वी नो अफेक्चुअल रियलिटी इन सम सेंस आउटसाइड द नैरो सर्किट ऑफ अवर पर्सनैलिटी। इट इज़ द ट्रूपिंग इन्वेजन ऑफ द कंक्रीट फुलनेस ऑफ इटर्निटी इन टू सोल ऑफ अ सेंट। कहते हैं हमारा जो शऊर है ना जी, इसका सर्कट बड़ा नैरो है। हमारी पर्सनैलिटी का सर्कट बहुत तंग सा है, महदूद सा है। कभी ऐसा होता है कि इंसानी शऊर इस महदूद सर्कट से निकल जाता है, निकल के वो क्या करता है? वो इटर्निटी के साथ जा जुड़ता है। उसे इटर्निटी के लमस का तजर्बा होता है, उसे ज़ात हक की कुर्बत का तजर्बा होता है। तो ये ज़ात हक की कुर्बत का तजर्बा है, ये पहला कदम है रूहानी तजर्बे की तरफ बढ़ने का। और इसकी इंतहा कहाँ होती है? इसकी इंतहा होती है जब जिसके लमस का, जिस ज़ात के लमस का इसे इब्तदाई तौर पर तजर्बा हुआ था, उसके औसाफ इसमें पैदा होने लगते हैं। अब इसका इजहार अल्लामा कहते हैं, हमारी तारीख में कई तरह से हुआ। किसी ने कह दिया अनाल हक, ठीक है जी, किसी ने कह दिया अना दहर, कहीं मैं अना कुरान नातिकुन, ठीक है ना जी, यानी मुख्तलिफ कोटेशन लेके आए हैं। उन कोटेशंस के ज़रिए अल्लामा बताते हैं ये क्या शो करता है। ये शो करता है कि जब इंसान का कुर्बत खुदावंद का तजर्बा कायम हो जाए तो उसके नतीजे में ज़ात खुदावंद के औसाफ बंदे के अंदर पैदा होने लगते हैं। फिर वो आम आदमी नहीं रहता। वो जो हमने पहले देखा ना लामा की कोटेशन कि अल्लाह उसका कोवर्कर बन जाता है, यानी ज़ात हक के औसाफ बंदे के ज़रिए से फंक्शन करने लगते हैं। और ये वो मरहला है, यहाँ पे क्या होता है? अब देखें, कमाल एक स्टेटमेंट मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा, गो इस खुतबे की नहीं है, पेज 88 पे आई है स्टेटमेंट। अल्लामा फरमाते हैं द फैटलिज्म, फैटलिज्म का मतलब क्या है? जबरियत, मजबूरी जिसको आप कहते हैं, जिसको आमतौर पर बहुत ही मनफी वैल्यू समझा जाता है ज़िंदगी की। अल्लामा फरमा रहे हैं द फैटलिज्म इम्प्लाइड इन दिस एटीट्यूड इज़ नॉट नेगेशन ऑफ द एगो एज स्पेंगलर सीम्स टू थिंक, इट इज़ लाइफ एंड बाउंडलेस पावर विच रिकग्नाइज नो ऑब्स्ट्रक्शन एंड कैन मेक अ मैन कॉमली ऑफर हिज प्रेयर्स व्हेन बुलेट्स आर शावरिंग अराउंड हिम। कहते हैं जब इंसान कुर्बत खुदावंद के इस तजर्बे पर जा पहुँचता है तो वो इसके अंदर इस तरह कायम हो जाता है कि देखने वाले को वो जबरियत के रास्ते पर कारबंद लगता है, लेकिन फिर असल वो जबरियत के रास्ते का मुसाफिर नहीं होता, का हामिल नहीं होता, बल्कि वो औसाफ खुदावंद के अंदर इतना इम्बॉडीफाई हो चुका होता है कि वो हर तरह की रुकावट और ख़तरे से बालातर हो जाता है। हत्ता के बूछाड़ गोलियों की हो रही हो उनमें भी वो उस तरह पुरसकून तरीके से नमाज़ पढ़ रहा होता है जिस तरह कोई अपने घर अपने कमरे में बैठा हुआ, यानी ला खौफ़ अलैहिम वला हुम यहज़नून का जो हाल है ये बंदे को अता होता है जब बंदा इस तजर्बे तक पहुंचता है। इस पे उसको इस्तिकामत और इसके अंदर एक कंसिस्टेंसी, इसके अंदर परमानेंस उसे नसीब हो जाती है। तो अब ये जो अल्लामा कह रहे हैं जी रूहानी तजर्बे के बारे में, कि पहली बात क्या है जी कि पूरे खुतबात में हम देख रहे हैं कि रूहानी तजर्बा या स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किसी न किसी सूरत में हमें फंक्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरी बात क्या है कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है इसका आगाज़ किससे होता है? कुर्बत खुदाबंद के ज़िंदा एहसास से।
और इसका कमाल क्या है, जब इंसान के और उस ज़ात हक के दरमियान कोई हिजाब बाकी ना रहे और ज़ात हक के औसाफ बंदे के मीडियम के ज़रिए से फंक्शन करने शुरू कर दें। पूरी रिकंस्ट्रक्शन में कमोबेश 35 अंदाज से अल्लामा ने रिलीजियस एक्सपीरियंस की इस्तिलाह को बरता है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते। अब हम आ जाते हैं खुतबे के उस हिस्से पे जहाँ उन्होंने रिलीजियस एक्सपीरियंस की खसूसियात को मौजूए बास बनाया है। अच्छा, अब जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की खसूसियात को अल्लामा ने मौजूए बास बनाया है, तो इसमें अल्लामा ने बात की है मगरबी मुफक्करीन को बुनियाद बना के। और ये बात यहाँ ज़रूर कह देनी चाहिए कि अल्लामा मगरबी मुफक्करीन के बयानात पे ना काने हैं ना उनसे मुतमईन हैं, लेकिन चूंकि वो जो बात जिस अंदाज से कर रहे हैं, जिन लोगों से कलाम कर रहे हैं, उनके डोमेन में जाके उनके घर से आर्गूमेंट ला के उनको कन्विंस करना ज़रूरी है, लिहाजा वो मगरबी मुफक्करीन की जो फाइंडिंग्स हैं या उनके जो नैरेटिव है, उनके जो आर्गूमेंट्स हैं, उसको वो बुनियाद बना के उसकी मदद लेके उससे तकवीत लेके अपने थीसिस को आगे बढ़ाते हैं। वरना जो रूहानी मुशाहदे की खसूसियात हमारी रवायत में भी मौजूद है, तसव्वुफ में भी मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है वो कदरें मुख्तलिफ हैं। और अगर आप सिर्फ यहीं से बात उठाते तो फिर वो बात आधे ही में रह जाती और उस बात को उस दौर के सामीन उतनी अहमियत ना देते जितनी अहमियत मगरबी जो था बयानिया उसकी सपोर्ट से सामने आने वाली बात को दी गई या दी जा रही थी। अब मगरबी खसूसियात जो मगरबी अहल इलम या मगरबी साइकोलॉजी नफसियात से अल्लामा ने मजहबी तजर्बे की जो खसूसियात बयान की हैं, उससे पहले अगर हम अपने रवायत को देखें तो हमारी रवायत के मुताबिक जब हम रूहानी मुशाहदे की या रिलीजियस एक्सपीरियंस की खसूसियात की बात करते हैं, तो सबसे पहला नुक्ता यह है कि मजबूत अखलाकी एहसास के बगैर कोई स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस वजूद में नहीं आ सकता। अगर आया भी तो वो एक मसला होगा, वो ब्लेसिंग नहीं होगा। मजबूत रूहानी अखलाकी एहसास एक प्री रिक्विजिट है वैलिड रिलीजियस एक्सपीरियंस के लिए, और उसका सबूत खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक है कि आपके नबुव्वत के ऐलान से पहले उस सोसाइटी में आप बतौर सादक और बतौर अमीन मौजूद थे, और सोसाइटी का हर फर्द आपकी अखलाकी शफाफियत को और आपकी किरदार की अजमत को सादक और अमीन कह के उसका एतराफ कर चुका था। उसके बाद जो रूहानी मुशाहिदा है वो फिज़िकल भी इम्पेक्ट लेके आएगा आपकी ज़िंदगी में, और मेटाफिज़िकल इम्पेक्ट भी लेके आएगा, दोनों लिहाज से इम्पेक्ट लेके आएगा, और खारिज में ज़िंदगी में उसके नताइज ज़रूर पैदा होंगे। और उसके बाद जब भी किसी शख्स को रूहानी मुशाहिदा होगा तो उसका इबलाग हो सकेगा, उसकी बात आगे मुंतकिल हो सकेगी, उसको दूसरे तक पहुंचाया जा सकेगा, दूसरे के सामने उसको प्रॉपर तरीके से बयान किया जा सकेगा। अगर किसी सूफ़ी का, किसी साहिब रूहानियत का, किसी रिलीजियस एक्सपीरियंस के हामिल का रूहानी तजर्बा या रूहानी वारदात हो जिसे प्रॉपर तरीके से बयान ही ना किया जा सके और उसका उसकी कम्युनिकेशन ही ना हो सके, तो फिर ये रूहानी तजर्बा एक वहम एक ख्याल तो होगा लेकिन उसकी कोई अमली या इल्मी या फिक्री या रूहानी अहमियत नहीं होगी। और जहाँ तक पैगम्बर की ज़िंदगी का ताल्लुक है तो पैगम्बर के लिए तो रूहानी मुशाहदे उसके रूहानी मुशाहदे को बयान करना तो नागुज़ीर होता है। यानी देखें ना, आप सस्तम को इरशाद फरमाएगा बल्लिग मा उनज़िला इलैक, है मेरे रसूल आप पे हम जो उतार रहे हैं इसे लोगों तक पहुँचाएँ। वमा हो अलल ग़ैब बिदवनीन, हमने अपने रसूल को जो कुरान अता किया जो वही अता की इसे आगे मुंतकिल करने में हमारे रसूल कंजूस नहीं है, यानी तंग दिल और तंग नज़र नहीं है, बल्कि वो हमारा हुक्म है किसे आगे पहुँचाएँ। तो हमारे यहाँ तो ये तसव्वुर मौजूद है इसका। अच्छा, अब आते हैं जब हम इसके अल्लामा इसको जब बयान करते हैं सारी खसूसियात को, तो उससे पहले ये अल्लामा कह देते हैं कि जनाब ये जो मजहबी तजर्बे की खसूसियात हैं या रूहानी जो एक्सपीरियंस है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इसको आप मन है मुकम्मल तौर पे साइंसी तजर्बा नहीं कह सकते, इसको साइंसी अंदाज के साथ इसका तजिया नहीं कर सकते। यानी फिज़िक्स केमिस्ट्री और चीज़ होती है
और रिलीजियस एक्सपीरियंसेस और चीज़ होती हैं। अब आप देखें, ये वही बात आ गई जो मैंने शुरू में रस किया था कि अल्लामा कहीं तफरीक कर रहे होते हैं और कहीं तदबीक कर रहे होते हैं, और यहाँ पे अल्लामा ने तफरीक भी की है, जहाँ ज़रूरत पड़ी वहाँ तफरीक भी की है कि ये बिल्कुल एक अलग डोमेन है जिसको 100% आप फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या दूसरे जो साइंसेज हैं, अकली उलूम हैं, उनके मुताबिक इसको समझ के, जाँच के इसका तजिया नहीं कर सकते। इसके लिए कुछ अलग ज़ाबते होंगे, अलग कायदे होंगे। जब इसकी खसूसियात की बात आती है जी, तो अल्लामा ने विलियम जेम्स, जो मगरब के बहुत बड़े फ़लसफ़ी भी थे और नफ्सियातदान भी थे, उनकी बताई हुई जो मजहबी खसूसियात हैं उनको बुनियाद बनाते हुए अल्लामा ने रिलीजियस एक्सपीरियंस की खसूसियात को बयान किया है। वैराइटीज़ ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस बड़ी मारूफ़ ज़माना किताब है विलियम जेम्स की। तो उस किताब के अंदर विलियम जेम्स ने जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की, रिलीजियस एक्सपीरियंस की खसूसियात बयान की हैं, अल्लामा उन खसूसियात को यहाँ पर लेके आए हैं। अच्छा, अब कुछ चीज़ों से अल्लामा ने इत्तेफाक़ किया है और कुछ चीज़ों से इख्तिलाफ़ किया है। अब यहाँ इस तरफ इशारा करना ज़रूरी है कि विलियम जेम्स वो आदमी हैं जिन्होंने मगरब में जो नफ्सियात की साइंस थी या नफ्सियात का इलम था उसका हिस्सा बनाया रूहानी वारदात और कैफियात को, और बड़ा साइंटिफिकली, बड़े ऑब्जर्वेशंस के साथ, बड़ी एनालिसिस के साथ, बड़े तजर्बात के साथ, हकायक के साथ, डाटे के साथ उसको इंडोर्स किया और एक पूरी तफसीलात के साथ साइंटिफिक अंदाज से ये बताया कि जिस तरह से आपके दूसरे मुशाहिदात होते हैं ज़िंदगी के, उसी तरह रूहानी मुशाहिदे भी इल्मी और अमली कदर और वक़्त रखते हैं। तो जब उन्होंने ये डिस्कस किया तो साथ उन्होंने फिर इसकी खसूसियात को भी डिस्कस किया, तो अल्लामा उन खसूसियात को यहाँ अपने खुतबे का हिस्सा भी बनाते हैं और उसके तहत समझाते हैं कि जब कोई शख्स रूहानी तजर्बे से गुज़रता है तो उस तजर्बे के फ़ीचर्स क्या क्या होंगे। सबसे पहली बात जिस तरफ अल्लामा फरमाते हैं वो ये है कि पहली जो खसूसियत है रूहानी तजर्बे की वो इमीडिएसी है, यानी ये बिला वास्ता होता है, ये बिला वास्ता होता है, और ये तजर्बा हमारी ज़िंदगी के दीगर तजर्बात के साथ मुमासिलत भी रखता है और उनसे इम्तियाज भी रखता है, उनसे मुख्तलिफ़ भी है। इस लिहाज से ये हमारी ज़िंदगी के तजर्बा से मुमासिलत ज़रूर रखता है कि ये भी अपने अंदर उसी तरह इल्म रखता है जिस तरह हमें ज़िंदगी के बच्चा तजर्बात के ज़रिए को इल्म मिलता है, और जिस तरह हम हवा से हमसा से इल्म हासिल करते हैं तो इस रूहानी तजर्बे से भी हमें मालूमात मिलती हैं। लेकिन मुमताज़ इस तरह से होता है कि आम जो हमारी ज़िंदगी के तजर्बात हैं उनमें हम हवा से हमसा से मिलने वाले मालूमात का तजिया करते हैं, उनकी सिंथेसिस करते हैं, उनमें कोई रफ पैदा करते हैं और उस तरह हम किसी फाइंडिंग और किसी नतीजे तक पहुँचते हैं। लेकिन जो मजहबी तजर्बा है उसमें आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको कुछ स्टेप बाई स्टेप फैक्ट्स आ रहे हैं और फिर आप उनको रिकनसाइल कर रहे हैं और रिकनसाइलेशन के ज़रिए से आप किसी चीज़ तक पहुंच रहे नहीं, वो यक लख्त आप पे एक इंकशाफ होता है और फिर वो इंकशाफ एक इल्म और आगही की सूरत में आपके शऊर का हिस्सा बन जाता है आपकी। अब अल्लामा ये कह रहे हैं, गॉड इज़ नॉट अ मैथमेटिकल एंटिटी आर अ सिस्टम ऑफ कॉन्सेप्ट्स म्यूचुअली रिलेटेड टू वन अनदर एंड हैविंग नो रेफरेंस टू एक्सपीरियंस। कहते हैं कि ज़ात खुदावंद का तसव्वुर कुछ साइंसी तसव्वुर नहीं है, ये साइंसी तसव्वुरात की तरह नहीं है जिसमें मुख्तलिफ तसव्वुरात एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उससे कोई माना निकलता है, नहीं, ये वो तसव्वुर है जो डायरेक्ट आपके तजर्बे से लिंक्ड है, तजर्बे से इसका रब्त है, और जब आप उस तजर्बे से गुजरते हैं तो फिर आप उसका इनकार नहीं कर सकते। तो पहली जो खसूसियत अल्लामा बता रहे हैं मजहबी तजर्बे की कि जब किसी इंसान को कोई रूहानी मुशाहिदा या रूहानी तजर्बा होता है तो वो बिला वास्ता और यक लख्त होता है, वो स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, और वो जो यक लख्त इंकशाफ होता है आपकी ज़िंदगी के अंदर, वो यक लख्त इंकशाफ फिर आपके शऊर का ऐसा हिस्सा बनता है कि वो आपकी अप्रोच को मुतासर करता है, वो आपकी ज़िंदगी के बारे में नुक्ता नज़र को मुतासर करता है, आपके असलूब अमल को मुतासर करता है। दूसरी क्या खसूसियत है जिसकी, फरमाते हैं ये दूसरी खसूसियत है वो ये है कि ये अनएनालाइजेबल है, इसका तजिया नहीं हो सकता, ये होलनेस, एक टोटेलिटी है, एक कुल्लियत है,
एक ऐसी कुल्लियत है जिसको आप अलग अलग करके नहीं देख सकते, इसके पार्ट्स को अलग अलग करके नहीं देख सकते। यानी हम हमारी ज़िंदगी के जितने तजर्बात होते हैं, ज़रा उसके कई हिस्से होते हैं और उन हिस्सों में हम उसको मुख्तलिफ उसके हिस्सों को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उनको जोड़ते हैं, उनसे हम कोई माना निकालते हैं। लेकिन जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, ये चूँकि एक कुल के तौर पर आप पे इसका इंकशाफ होता है, लिहाजा आप इसके मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे जो विलियम जेम्स ने जब ये कहा कि ये टोटैलिटी के तौर पे आता है, तो जब टोटैलिटी के तौर पे ये तजर्बा होता है तो ये आपके शोर को कैप्चर कर लेता है, और आपके शोर को जब कैप्चर करता है तो आपका शोर मुअत्तल हो जाता है फॉर टाइम बीइंग। आपका शोर उस वक्त मौजूद नहीं होता। इसकी मिसाल आप ये देखें, जैसे कोई बहुत ही हसीन और जमील मंजर हमारे सामने आए तो हम एक दो मिनट के लिए इंट्रेंस हो जाते हैं, उस वक्त हमारा हमें पता होता है हम क्या देख रहे हैं और हम उसमें माहिर भी होते हैं, लेकिन हमारा शऊर इस तरह सस्पेंडेड होता है कि हम उसका तजिया करने या उसके बारे में कोई इमीडिएट कोई एनालिसिस करने उसकी अहलियत से अलग हुए हुए होते हैं, उससे खाली हुए हुए होते हैं। अल्लामा भी यहाँ कहते हैं कि विलियम जेम्स का यह कहना कि जब इंसान इस तजर्बे से गुजरता है तो उसका शऊर बिल्कुल मुअत्तल हो जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। अल्लामा के फरमाते हैं कि उस वक़्त हमारा शऊर मुअत्तल नहीं होता, बल्कि हमारा शऊर उस वक़्त भी मौजूद होता है, लेकिन वो शऊर उस तजर्बे को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उस तजर्बे के सामने एक नाकद के तौर पर खड़ा नहीं होता, यानी उस तजर्बे को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा होता है, उसको अपने अंदर एनिहिलेट कर रहा होता है, उसे अपनी ज़ात का शऊर अपनी हस्ती का अपनी एंटिटी का हिस्सा बना रहा होता है। तो विलियम जेम्स का ये कहना कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के सामने जिस हस्ती आज़म का के मुशाहदे का तजर्बा इंसान को होता है तो इंसान का शऊर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तीसरी खसूसियत जो लामा बता रहे हैं जी, वो ये है कि इस तजर्बे के दौरान एक इंसान का रब्त कायम होता है ज़ाते वाला के साथ, अनाए मुतलक के साथ ताल्लुक कायम होता है, इंटीमेट एसोसिएशन विद अ यूनिक अदर सेल्फ। यूनिक अदर सेल्फ, ये जो यूनिक अदर सेल्फ यानी जो एक बेनज़ीर और बेमिसाल ज़ात है इस कायनात से मावरा, उस वक़्त इंसान का उसके साथ रब्त कायम होता है और इंसान को उस रब्त का तजर्बा होता है। अच्छा, अब इसकी जब वजाहत अल्लामा करते हैं तो अल्लामा फरमाते हैं कि जब इंसान को ज़ात हक की यह कुर्बत मिलती है तो उस वक्त चाहे थोड़ी देर के लिए हो, इंसान की अपनी गैरियत बाकी नहीं रहती उस ज़ात के सामने, उसकी अपनी गैरियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब यहाँ मैं अल्लामा का जुमला पढ़ना चाहूँगा, अल्लामा फरमाते हैं, बट यू विल आस्क मी हाउ इमीडिएट एक्सपीरियंस ऑफ गॉड एज एन इंडिपेंडेंट अदर सेल्फ इज़ एट ऑल पॉसिबल। यानी आप ये मुझसे पूछ सकते हैं कि ज़ात खुदावंद के एक दूसरी अना के तौर पर उसकी हजूरी का तजर्बा मुमकिन कैसे है। द मेयर फैक्ट दैट द मिस्टिक स्टेट इज़ पैसिव डज नॉट फाइनली प्रूव द वेरिटेबल अदरनेस ऑफ द सेल्फ एक्सपीरियंस। सेल्फ एक्सपीरियंस्ड, अल्लामा कहते हैं कि जिस वक्त बंदे को इस दूसरी यूनिक सेल्फ का तजर्बा होता है, उस तजर्बे में इंसान खुद पैसिव होता है, तजर्बा करने वाला पैसिव होता है। इस पैसिविटी के अंदर ज़रूरी नहीं कि इंसान की अपनी गैरियत भी मौजूद हो। अब आप देखें कि ये जो तसव्वुर है अल्लामा का, जिस तरह से अल्लामा ने इन बातों को बयान किया है, ये जो हमारे क्लासिकल मिस्टिक्स हैं, आप देखें कि उसकी रिफ्लेक्शन आपको यहाँ पे नज़र आती है कि वो किस तरह कुर्ब खुदावंद के तजर्बे को बयान करते रहे हैं। पूरी एक तारीख है हमारे यहाँ सूफिया के बयानिए की कि उन्होंने कुर्ब हक के सफ़र को और मार्फत के सफ़र को और अल्लाह के कुर्ब के असरात को
किस तरह से बयान किया है। तो अब उसी चीज़ को अल्लामा यहाँ बयान कर रहे हैं और अल्लामा फरमा रहे हैं कि जब बंदा अल्लाह के सामने, जिसको उन्होंने यूनिक अदर सेल्फ़ कहा है, एक बेनज़ीर और बेमिसाल ज़ात के सामने बतौर शाहिद के खड़ा होता है, शाहिद का मतलब क्या, ऑब्जर्वर के खड़ा होता है, तो वो उस वक़्त बिल्कुल पैसिव हो जाता है। जब पैसिव हो जाता है तो वो उस पैसिविटी में उसकी अपनी वैरियत ख़त्म हो जाती है, उसकी अपनी अदरनेस ख़त्म हो जाती है। और अगर आप इस जुमले को देखें तो ये जुमला है जी पेज नंबर 15 पे, 15 पे, तो यहाँ पे अदरनेस को अल्लामा ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है। और उसकी वजह यह है कि ये शायद हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अल्लामा ने ये बात कही है कि ये कायनात जो है इंसान का के मुखालिफ अदर एंटिटी नहीं है, ये कायनात ज़ाते हक़ के मुकाबले अदर एंटिटी नहीं है, बल्कि ज़ाते हक़ की वसतों के अंदर ही अल्लाह की क्रिएटिव जो फंक्शनिंग है उसका एक इजहार है। तो उसकी वजह यह है कि अगर आप ये कह दें कि ये कायनात ज़ाते हक़ के मुकाबले एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, तो उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं जी। नहीं, हलूल नहीं, मुश्किलात, क्या मुश्किलात पैदा हो जाती है, मैं फिर इस जुमले को दोहराता हूँ। अगर आप ये कहते हैं, जिसका अल्लामा ने यहाँ भी नफ़ी की है, और अगर आप उर्दू तर्जमे देखें तो बहुत ज़्यादा ब्लंडर्स हुए हैं इस तरह की बातों को तर्जमा करते हुए, वो भी मेरे पास एक दो मिसालें हैं, लेकिन चूंकि वक्त नहीं शायद हुआ तो मैं थोड़ा उसको कोट कर दूँगा। अल्लामा ये कह रहे हैं कि ये कायनात, अब मुझे याद नहीं कि पिछली गुफ्तगू में ये जो हमारा जनरल डिस्कशन थी उसमें यह बात हुई थी, अल्लामा ये कह रहे हैं कि ये कायनात पूरी की पूरी ज़ात हक का अदर नहीं है, यानी ज़ात हक का गैर नहीं है, ज़ात हक के मुकाबल नहीं है। तो फिर है क्या, ज़ात हक की अपनी ही जो वसत है उसके अंदर, वासिया कुर्सी समावाते वाल अर्थ, समावाते वाल अर्थ अंदर है, उसके बाहर अल्लाह की कुर्सी है, एक सिंबॉलिक है ना, मेटाफोरिकली कुरान मजीद ने बयान किया, ज़ात हक की अपनी वसतों के अंदर उसका एक क्रिएटिव डिमॉन्स्ट्रेशन है। अगर आप ये कहते हैं ये कायनात ज़ात हक़ के मुकाबले एक वजूद है, तो इसका मतलब यह कि ज़ात हक़ के मुकाबले भी कुछ जमा व मकां है जिसमें ये कायनात टिकी हुई है, तो वो किसने बनाया, वो कहाँ से आया, यानी एक जमा व मकां ज़ात हक़ का है और एक उसके मुकाबले है जिसमें पूरी की पूरी कायनात उसके गैर के तौर पर मुकाबले में मौजूद है। तो इससे यानी और भी बहुत सी मुश्किल है, लेकिन बहुत सादा सी बात मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अल्लामा ये कह रहे हैं कि ये जो आपका क्वेश्चन है, जब हम ये कहते हैं कि ज़ात हक से रब्त कायम होता है रूहानी मुशाहदे के दौरान, तो रब्त, देखें अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, आप मेरे मुकाबले बैठे हैं तो मेरा आपसे एक इंट्रैक्शन हो रहा है, आई कॉन्टैक्ट है, नरेशन का कॉन्टैक्ट है, अंडरस्टैंडिंग का कॉन्टैक्ट है, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं क्योंकि आप मेरे अदर हैं। रूहानी मुशाहदे के दौरान जब हमारा ज़ात हक से रब्त कायम होता है, तो क्या वो हमारा अदर है, अदर से एक रब कायम होता है, अल्लामा उसकी नफ़ी कर रहे हैं, फरमा रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं है। यानी तो फिर क्या है, फरमाते हैं कि उस वक़्त ये वो कैफियत है जिस वक़्त बंदे और खुदा के दरमियान जो गैरियत है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और अच्छा, जब गैरियत ख़त्म हो जाती है तो फिर बनता क्या, अब यही वो नुक्ता है जहाँ पर इतने मुगालते पैदा हुए, इतने मसाइल पैदा हुए, जिसकी वजह से सूफिया की अप्रोच और वहदतुल वजूद और इब्न अरबी और ये सब के ऊपर फिर लोग लठ लेके पीछे पड़ गए और कुछ से कुछ क्या से क्या बनता चला गया। अब इसका हासिल ये होता है, जिस जहाँ पे अल्लामा ने तो बात यहाँ कह दी ना कि गैरियत नहीं रहती, तो जब गैरियत नहीं रहती तो होता क्या है, फिर होता ये है कि बंदा खुदा नहीं बनता बल्कि बंदा होता नहीं है, ज़ात हक़ ही फंक्शनल होती है, फिर बंदे की अस्थि नहीं होती, बंदा बंदे के तौर पे ज़िंदगी गुजार रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन वो एक आला होता है ज़ात हक़ की मंशा की जो कार फरमाई है उसका। मतलब क्या है, जो सूफिया कहते हैं कि हमारी हस्ती ये मोहूम है, एक वहम है, यानी खुदावंद ज़ात खुदावंद से दूरी एक वहम है, हकीकत नहीं है, हकीकतन कोई दूर नहीं है, यानी अल्लाह बंदे से दूर नहीं है, हमें ये वहम है कि वह दूर है। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है वो आपको इस वहम से निकालता है, जब जिक्र आपको इस वहम से निकालता है,
अल्लाह का की इताअत, अल्लाह का कुर्ब आपको, अगर मैं लामे के अल्फाज इस्तेमाल करूँ, आपको एक एटीट्यूड ऑफ माइंड देता है। ये रिकंस्ट्रक्शन के अल्फाज हैं कि प्रेयर क्या है, इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ माइंड। वो आपके अंदर एक एटीट्यूड ऑफ माइंड पैदा करता है। वो जो एटीट्यूड ऑफ माइंड है वो आपके और ज़ात आपके दरमियान मौजूद हिजाबात को डिज़ोल्व करता है। अब ये सारा कुछ चाहिए किस लिए, क्यों हम इस पंबल पूछे में पड़े हुए हैं, इस सारी फटीक में पड़े हुए हैं? भाई इसलिए चाहिए, पहली बात तो ये है, हमें एक मजबूत मॉरल ग्राउंड चाहिए, हमें अनकम्प्रोमाइजिंग मॉरल इंटीग्रिटी चाहिए। वो मॉरल इंटीग्रिटी सिवाय एक साउंड स्पिरिचुअल फाउंडेशन के मुयस्सर नहीं आती, वरना इंसान छोटे छोटे मुफादात पे कंप्रोमाइज़ करने लगता है और फिर सोसाइटी कोलैप्स कर जाती है। और एट वाइडर रेंज आप देखें, जैसे हम पहले कह चुके हैं, जितने जितने ज़्यादा जो अफराद मुआशरा हैं उनके अंदर कुर्ब खुदावंद के औसाफ फंक्शन कर रहे होंगे, उतना उतना ज़्यादा वो सोसाइटी में इफ़ेक्टिव होंगे, वो सोसाइटी में पॉजिटिव वैल्यूज़ के साथ इफ़ेक्टिव होंगे, सोसाइटी उतनी ज़्यादा आइडियल बनती चली जाएगी। सोसाइटी में जितने ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने वाले ज़्यादा होंगे, सोसाइटी तबाह बर्बाद हो जाएगी, माशरे का सत्यानाश हो जाएगा। और आज हम इसी मॉरलिटी डेफिसिट का शिकार हैं। ये हमारा ग्लोबल जो है वो अलमिया है मुस्लिम सोसाइटी का। तो अब अल्लामा हम इस तरफ लेके आ रहे हैं बतदरीज कि ये जो मजहबी तजर्बा है ये हमें ज़ात हक के साथ रब का तजर्बा देता है। अब उस तजर्बे की डिटेल क्या है उसका एनालिसिस करके उसके ऊपर उठने वाला जो बड़ा सवाल है, क्या हमें ज़ात हक के अदरनेस का तजर्बा होता है? तो अल्लामा उसकी नफ़ी कर रहे हैं, अदरनेस का नहीं, बल्कि जो पहले से हमें कुर्ब नसीब है ज़ात हक का, उसका हमें यकीन मिलता है, और जो हमें दूरी का वहम है वो वहम हमारा उठ जाता है। अच्छा जी, अब ये बात कि ये जो राबता होता है ज़ात हक के साथ, ये बिला वास्ता होता है, अल्लामा अब इसके लिए कुछ ना कुछ आर्गुमेंट भी लेके आते हैं। फरमाते हैं जब हम सोसाइटी में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं तो हमारा इंटरेक्शन किस बुनियाद पर होता है? अल्लामा फरमा रहे हैं कि हमारा इंटरेक्शन हुज़ूरे वाला होता है एक दूसरे के साथ, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे के साथ रब्ता करते हैं, कोई अमल होता है, कोई रद्दमल होता है, और ये सारे मामले हो रहे होते हैं हवा से हमसा के ज़रिए से। ठीक है जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप उसको पर जेहन में एक एनालिसिस प्रोसेस चल रहा है, मेरी किसी बात को आप कबूल कर रहे हैं, किसी को जेहनी में मुस्तरद कर रहे हैं, किसी पर जेहनी में सवाल खड़े कर रहे हैं, किसी को जेहनी में ऐसी लयानी हैं जी, वो क्या कहते हैं, वो गपशप करार दे रहे होंगे। तो ये एक प्रोसेस चलता चल रहा है और ये प्रोसेस हमारी कम्युनिकेशन की बुनियाद है। तो अल्लामा कहते हैं ये कहाँ से शुरू हुआ? हवा से हमसा के इंटरेक्शन के ज़रिए से। लेकिन इसमें एक और पहलू है जिसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वो पहलू क्या है? अल्लामा फरमाते हैं वो पहलू ये है कि जैसे ही मैं कोई बात करता हूँ या हम एक दूसरे के साथ हवा से हमसा के ज़रिए इंटरेक्ट करते हैं, तो इसके साथ ही हमारे अंदर एक एहसास भी पैदा होता है जो हमारे इस सारे इंटरेक्शन को बमाना बनाता है। वो एहसास बिलावास्ता पैदा होता है। देखें ना, आपने मेरी सारी गुफ्तगू सुनी, आपके जहन में उस सारे के बारे में एक एहसास पैदा हुआ, उस एहसास का मुझे बिलावास्ता इदराक है। अब मैं आपके जहन में नहीं बैठा हुआ, आप मेरे जहन में नहीं बैठे हुए, ये जो एहसास पैदा हो रहा है इस सारे ज़ाहरी इंटरेक्शन के नतीजे में, ये इंटरेक्शन बिलवास्ता है। वो वास्ता क्या है? यानी मीडियम के ज़रिए है। वो मीडियम क्या है? हवा से हमसा। लेकिन इसके नतीजे में जो एहसास पैदा हो रहा है वो एहसास बिला वास्ता है, उसका कोई मीडियम नहीं है, लेकिन हम उसे कबूल कर रहे हैं। जब तक ये दोनों जमा ना हो जाएं, यानी बिलवास्ता हमारा इंटरेक्शन इसके नतीजे में जो हमारे कुछ फाइंडिंग्स आ रही हैं, और बिलावास्ता जो ज़हनी एहसासात बातन के एहसासात हैं उनसे जो फाइंडिंग्स आ रही हैं, जब तक वो पूरी जमा ना हो जाएं हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा भी एक दूसरे के बारे में जो इल्म है वो फिल असल बिलावास्ता ही हुआ, या उसकी बुनियाद बिलावास्ता हुई। तो अल्लामा कहते हैं जब हमारा ज़ाहरी ज़िंदगी में ये हाल है कि हम बिलावास्ता कर नहीं सकते, कम्युनिकेट नहीं कर सकते, और उसको छोड़ के बामाना नहीं बना सकता अपनी कम्युनिकेशन को, तो ज़ात हक के बारे में जो हमारा बिलावास्ता तजर्बा है उसको भी हम मुस्तरद नहीं कर सकते।
उसको भी हम एक वाहमा कह के रद्द नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, उसको भी हमें अहमियत देनी होगी। बिल्कुल उस तरह जिस तरह हम अपने डे टू डे इंटरेक्शन में अपने बाहमी कम्युनिकेशन रिबला को बामाना बनाने के लिए इसकी बिला वास्ता असास को कबूल करते हैं, उसकी मानवीयत को कबूल करते हैं, उसको जोड़ते हैं, उसको बुनियाद बनाते हैं अपने जो ज़ाहरी हमारा इंटरेक्शन है, तो उससे क्या होता है हमारा एक दूसरे के साथ जो इंटरेक्शन है वो बामाना बनता है और फिर वो आगे हमारे मामलात को लेकर चलता है। अच्छा, चौथी जो खसूसियत है जी इसकी रूहानी तजर्बे की, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की, वो अल्लामा फरमा रहे हैं, वो ये है कि ये नाकाबिले इबलाग होता है। अच्छा, ये जैसे हम पहले कह चुके हैं कि ये अल्लामा बातें कर रहे हैं विलियम जेम्स की बुनियाद पे, यानी विलियम जेम्स ने जो बातें कही हैं, जो खसूसियात बयान की हैं, उन खसूसियात की बुनियाद पे अल्लामा ये खसूसियात हमारे सामने रख रहे हैं। फरमाते हैं चौथी खसूसियत यह कि ये कम्युनिकेबल नहीं होता। कम्युनिकेबल इसलिए नहीं होता चूँकि रूहानी मुशाहिदा होता है विजदान के ज़रिए से, इल्मी मामलात होते हैं अकल के ज़रिए से, अकल की बातें चूँकि काबिल तज़िया हैं, सिंथेसाइज्ड होती हैं, फैक्टराइज हो सकती हैं, लिहाजा उनको आप दूसरे बंदे तक मुंतकिल कर सकते हैं। लेकिन अब ये विलियम जेम्स का नुक्ता नज़र है, ये जो रूहानी मुशाहिदे की हासिलात हैं या जो आपका तजर्बा है, ये होता है एहसास के ज़रिए से, आपके पेशन के ज़रिए से, तो इसको और ये यक लख्त होता है, इसका तजिया नहीं हो सकता, लिहाजा आप इसको आगे मुंतकिल नहीं कर सकते। अब इस पर अल्लामा ख़ुद एतराज़ात फरमाते हैं, कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि हर रूहानी तजर्बे को आप ये नहीं कह सकते कि वह मुंतकिल नहीं हो सकता, इसलिए कि विलियम जेम्स का ये कहना कि इंसानी फ़िक्र और इंसानी एहसास के फंक्शनिंग का तरीक़ाकार अलग अलग है, ये मिन हैसुल को इस हकीकत को कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एहसास भी आखिरकार फ़िक्र में ढल जाता है, जो इंसान का एहसास होता है वो भी आखिर में फ़िक्र में ढलता है। जैसे आप एक खूबसूरत फूल देखते हैं तो आपको पहला उसका तजर्बा एहसास की सतह पर होता है, फ़िक्र की सतह पर नहीं होता, यानी आपके जहन में ये सवाल नहीं आता कि ये जो उसका सुरख रंग है ये कैसे बना होगा, इसकी केमिस्ट्री क्या है जी, और इसके अंदर क्या बोटैनिकल फैमिली इसकी क्या है जी, और ये किसके अंदर तिब्बी तौर पे क्या खसूसियात होंगी, ये सिर्फ नहीं जहन जाता, उसका जो इमीडिएट एस्थेटिक इंप्रेशन है वो आपको कैप्चर कर लेता है और आप उसके सामने बिल्कुल पैसिव हो जाते हैं। लेकिन वहीं तक नहीं रुकता, अब ये एहसास होते होते एक फ़िक्र बन के आपके शऊर का हिस्सा बन जाता है और अब आप उसका इबलाग कर सकते हैं। तो अल्लामा कह रहे हैं कि ये जो एहसास है, विलियम जेम्स का ये कहना है कि ये मुकम्मल तौर पे नॉन कम्युनिकेबल है, ये दुरुस्त नहीं है, बल्कि ये भी अंजामेकार फ़िक्र में डलता है, लिहाजा इस बुनियाद पे ये कहना कि चूँकि रूहानी तजर्बा एहसास से ओरिजिनेट होता है, ये काबिले बिलाग नहीं है, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दूसरी बात अल्लामा ये कह रहे हैं कि अगर आप इस असूल को थोड़ा बहुत माने भी तो पैगंबराना तजर्बे पे तो उसका बिल्कुल इतलाक नहीं हो सकता, क्योंकि हर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होता, बल्कि पैगंबराना तजर्बा जो है वो काबिल इबलाग होता है, और हम देखते हैं कि अंबिया की ज़िंदगी में, आप सस्म की याद पाक में, जो आपकी रूहानी कैफियात और वारदात हैं उनको आपने आगे मुंतकिल किया, बयान किया, और इसी से अल्लामा एस्टेब्लिश करते हैं कि वही बिलमाना ही नहीं बल्कि बिल लफ्ज़ भी होती है, यानी बड़ा जो मारूफ डिबेट है, आप जानते हैं अल्लामा का एक मुकालमा भी मौजूद है डॉक्टर लूकस के साथ जिसमें यह बात हुई थी कि यह कुरान मजीद लफ्सन उतरा है या मानन उतरा है, तो अल्लामा ने अपनी ज़िंदगी का वाकया, अपना तजर्बा, अपनी शायरी का तजर्बा आर्गूमेंट के तौर पर पेश किया कि मेरे ऊपर जब अशार उतरते हैं तो मैं कभी सोच समझ के अल्फाज नहीं जोड़ता, बल्कि मेरे लिए मुश्किल होता है किस शेर को लिखूँ, किस को छोड़ूँ। तो अब उसी को अल्लामा यहाँ कह रहे हैं कि एहसास की सतह पे होने के बावजूद रूहानी तजर्बे के काबिल इबलाग होने का ये सबूत है या उसका यह नतीजा है कि रूहानी तजर्बा काबिल इबलाग होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आने वाली वही बिलमाना नहीं थी बल्कि बिल लफ्ज़ थी, वो लफ्ज़न आगे मुंतकिल हुआ वो तजर्बा, और उसके लफ्ज़ भी यही थे और उसके माना भी वही थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। और आगे कुरान मजीद की आयात से फिर इस चीज़ को उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, सूरह शूरा की आयात लेके आए हैं, बल्कि सूरह आगे
والنجم کی آیت 1-18 تک ایک پہلے خطبے میں علامہ نے دی ہیں، جن سے انہوں نے ان چیزوں کو اسٹیبلش کیا ہے کہ جو پیغمبر کا روحانی تجربہ ہوتا ہے اس میں کچھ شک نہیں ہوتا، شبہ نہیں ہوتا، ابہام نہیں ہوتا، مغالطہ نہیں ہوتا، اور وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی ناقابل فہم پہلو ہو، منتقل نہ ہو سکے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی استداد سے ماورا ہو، جیسے انہی آیات میں ہے فاوہا الی عبدہ ما اوہا، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کیا جو وحی کیا۔ مطلب یہ ان ممکن ہے کہ وحی کے اندر ایسے حقائق بیان ہوئے ہوں، اس روحانی تجربے کے دوران پیغمبر پر ایسے حقائق کا انکشاف ہوا ہو جن کا انسانی شعور متحمل نہ ہو سکتا ہو، عام شعور انہیں سہار نہ سکتا ہو، اس وجہ سے ابلاغ نہ ہو سکے، یہ اور بات ہے۔ خود روحانی تجربے کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں کہ اس کا ابلاغ نہ ہو سکے، یہ پاسیبل نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو علامہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تصور ہے اس تصور کو ہم ایکوموڈیٹ نہیں کر سکتے اپنے ہاں۔ اس کے بعد جناب اس کی مقصدیت پہ بھی علامہ نے بات کی ہے، روحانی تجربے کی مقصدیت پہ بھی بات کی ہے کہ اس کا ایک ربط ہے خارج کی زندگی کے ساتھ، کہ اس کے نتیجے میں خارج میں ہماری جو زندگی ہے وہ متاثر ہوتی ہے، اس کے احوال و کیفیات متاثر ہوتے ہیں۔ پانچویں جو خصوصیت ہے جی، اچھا جو تجربہ میں نے عرض کیا نا، علامہ نے اپنی شاعری کی مثال دی، بلکہ اس میں ایک اور مثال بھی کوٹ کر دیتے ہیں۔ یہ علامہ نے 14 اپریل 1916 کو خط لکھا تھا مہاراجہ کشن پرساد کو اسرار خودی کے بارے میں۔ اس میں علامہ لکھتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا میں نے کیسے اسرار خودی لکھی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے میں نے لکھی نہیں ہے، مجھ سے لکھوائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ جسٹس دین محمد نے شاید علامہ کو کہا تھا کہ علامہ صاحب آپ نے شروع ہی فارسی سے کر دیا تو بجائے اس کے کہ اردو میں لکھتے یا کسی ایسی زبان میں لوگوں کو سمجھ آتی تو آپ نے فارسی سے شروع کر دیا۔ تو علامہ کا ایک بڑا کمال جواب تھا، علامہ نے فرمایا میں کیا کروں، اٹ کمس ٹو می ان پرشین، میں تو اردو۔ اور یہ بھی تاریخ میں علامہ کی زندگی میں یہ موجود ہے کہ علامہ نے شروع میں سارے خود ہی اردو میں بھی لکھی تھی کچھ، پھر اسے ضائع کر دیا، خود مطمئن نہیں تھے، تو جب فارسی میں شروع ہوا تو فارسی پوری کتاب بن گئی۔ تو علامہ نے فرمایا اٹ کمس ٹو می ان پرشین، جب میرے اوپر اترتا ہی فارسی، میرے ذہن ہی میں فارسی میں آتا ہے تو میں پھر کیسے کسی اور زبان میں لکھوں، تو میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو میں آر آپ کے سامنے اہل ایران اس کے معترف ہیں۔ تو یہ جو بیان ہے علامہ کا کہ یہاں جو انہوں نے اختلاف کیا ہے ولیم جیمز سے، وہ اپنے تجربے کی بنیاد پہ کیا ہے، اپنے حال کی بنیاد پہ کیا ہے۔ پانچویں خصوصیت جو روحانی تجربے کی، روحانی مشاہدے کے علامہ نے بیان کیا جی، وہ یہ ہے کہ یہ وقتی ہوتا ہے اور عارضی ہوتا ہے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ مسٹیک اسٹیٹ سون فیڈز اوے، یہ مستقل یہ کیفیت قائم نہیں رہتی، بلکہ کچھ وقت کے لیے آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو بہت کچھ دے کے جاتی ہے اور بہت کچھ چھوڑ کے جاتی ہے یہ کیفیت۔ تو علامہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو روحانی تجربے کی کیفیت ہے، یہ جب ذات حق کے ساتھ بندے کا ربط قائم ہوتا ہے تو اس ربط میں اسے نہ صرف یہ کیفیت وقتی ہوتی ہے، بلکہ اس ربط کے دوران وقت کے بھی عارضی ہونے کا تجربہ صاحب تجربہ کو ہوتا ہے۔ وہ چاہے چند ثانیوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے، وہ وقت کی قید سے بھی نکلتا ہے، وہ وقت کی قید سے بھی ماورا ہو جاتا ہے۔ اور جس وقت یہ روحانی کیفیت ختم ہوتی ہے، جب بندہ اس روحانی تجربے سے واپس آتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کے اندر ایک غیر معمولی یقین اور اعتماد ذات حق کے بارے میں اس کا تجربہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ اب ایک فرق یہاں علامہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو وقت تھوڑی دیر کے لیے انسان کی زندگی میں یہ روحانی کیفیت آتی ہے، یہ پیغمبر ہو یا عام انسان، ایک فرق ہوتا ہے دونوں کے اندر۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب ایک عام انسان کی زندگی میں یا مسٹک کی زندگی میں اس طرح کی کیفیت اور اس کا تجربہ آتا ہے، تو وہ تجربہ اس کی ذاتی زندگی میں اثرات لے کے آتا ہے، لیکن جب پیغمبر اس طرح کے تجربے سے واپس لوٹتا ہے تو وہ پھر کائنات کے لیے اثرات لے کے آتا ہے، وہ معاشرے اور قوم کے لیے اثرات لے کے آتا ہے، وہ پوری قوم کو بدلتا ہے، پورے معاشرے کو بدلتا ہے۔ اور اگر آپ اسپرٹ آف مسلم کلچر میں دیکھیں تو اس کا شروع علامہ نے عبدالقدوس گنگوئی کے قول سے کیا ہے، وہ بھی ایک اسپیشل ایکسپیرئنس ہے، محمد عربی بر فلک الافلاق رفت و باز احمد و اللہ اگر من رفت میں ہر کس باس نے آمد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے،
ذات خداوند کی قربتوں سے بہرہ ور ہوئے، سرفراز ہوئے اور واپس آ گئے. میں جاتا تو کبھی واپس نہ آتا. تو علامہ کہہ رہے ہیں یہ فرق ہے. جو اسپرچل ایکسپیرئنس پیغمبر کا ہے اس میں، اور جو اسپرچل ایکسپیرئنس غیر پیغمبر کا ہے اس میں. کیونکہ پیغمبر کا ظرف بہت بڑا ہے، پیغمبر کا شعور کائناتی ہے، اس کا شعور کائناتی ہے، لہذا وہ اس کے اندر سسٹین کر سکتا ہے. موسیٰ ذی ہوش رفت بیک پرتو صفات تو عین ذات می نگری در تبسم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ وہ وہاں جا کے بھی قوم کو نہیں بھولے. اور مشرک وہ جہاں جا کے گم ہو گیا، اس پر کوئی خبر نہیں ہے دائیں بائیں کی، پیچھے جائیں غرق ہوتے ہیں غرق ہوں، تباہ ہوتے ہیں تباہ ہوں، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. صوفی اس سے مستغنی ہے، قوم بنتی یا نہیں بنتی، الا یہ کہ وہ صوفیاء جو منصب ارشاد پہ ہیں، سارے تو جیسے نہیں نا، پوری تاریخ بھری پڑی ہے، ایسے بھی ہیں جنہوں نے زندگیاں بدلی ہیں. علی حجویر آپ کے سامنے ہیں، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ کے سامنے ہیں، شہنشاہ سہروردی شاہ نقشبند کو دیکھیں، تو صوفیاء نے زندگیاں کائنات کی، معاشرے کی، سوسائٹیوں کو بدلا. تو لیکن ایک جنرل لیول پہ علامہ فرق قائم کرتے ہیں پیغمبر کے روحانی تجربے میں اور مسٹر کے روحانی تجربے میں، اور بتاتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے یہ اس تجربے سے لوٹنے کے بعد اس کے اثرات کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک فرق نمایاں ہوتا ہے کہ پیغمبرانہ تجربہ کیا اثرات رکھتا ہے، وہ معاشرے کو امپیکٹ کرتا ہے، اور مسٹک کا جو تجربہ ہے وہ صرف اس کی ذات کے اندر تبدیلی لے کے آتا ہے. وہ تبدیلی آگے ٹرانسٹیو بنتی ہے کہ انٹرانسٹیو رہتی ہے، یہ ایک سیپریٹ کیس ہے. اچھا، پھر ولیم جیمز کا ایک اور جو پوائنٹ ہے اس کو بھی علامہ اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ولیم جیمز نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا ڈائلما رہا ہے کرسچینٹی کے مسٹسزم میں، کہ یہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس ہے کیسے پتہ چلے، کیسے پتہ چلے کہ یہ جو اسپرچل ایکسپیرئنس ہے یہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے. تو اب یہاں علامہ ایک کوٹیشن لے کے آئے ہیں اور فرماتے ہیں یہ پتہ کیسے چلتا ہے. ان دی اینڈ اٹ ہیڈ کم ٹو اوور امپیریسس کرائٹیرین، بائی دیئر فروٹ یو شیل نو دیم ناٹ بائی دیئر روٹس. یعنی کسی بھی روحانی تجربے کو آپ اس کے اثرات سے جانچیں گے، وہ اثرات کیا مرتب کر رہا ہے سوسائٹی کے اوپر. اگر اس کے اثرات پازیٹیو ہیں، تعمیر انسانیت والے ہیں، تو لازمی طور پہ وہ رحمانی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ دوسری کیٹیگری کا ہے. اس کے اوپر پھر علامہ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ رحمانی تجربے کو اور اس کو ہم جج کیسے کریں گے، اور ہمارے یہاں اس کے کیا کیا معیارات ہیں. قرآن حکیم کی آیات سے بھی اس کو اسٹیبلش کیا. یہ پانچوں کی پانچوں خصوصیات بیان کرنے کے بعد علامہ نے اس کی خصوصی اس کے بیان کیے ہوئے بیانیے پہ ولیم جیمز کی، گو کہ انہوں نے آرگومنٹ وہاں سے لیا ہے، لیکن پھر اس پر کم و بیش 10 اعتراضات بھی کیے ہیں. یہ علامہ کا اصول تفریق ہے، پہلے تطبیق کی ہے. یعنی مغرب سے آرگومنٹ کو اٹھا کے بتایا ہے کہ جو ریلیجیس ایکسپیرینس ہے اس کو کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے، اس کو ہم کن ٹریڈ سے سمجھ سکتے ہیں. سارا ثابت کرنے کے بعد پھر بتایا سب کچھ یہ نہیں ہے، یہی آرگومنٹ فائنل آرگومنٹ نہیں ہے. اگر آپ 100% اس کے پیراڈائم کو اٹھا کے اپنے آپ فٹ کریں تو 20 مسائل پیدا ہو جائیں گے. اس کے اوپر 10 کم و بیش اعتراضات کیے ہیں، اس کے نقائص کو واضح کیا ہے کہ ہم بالکل اس پہ ڈیپینڈ نہیں کر سکتے. تو جناب اب تک کم و بیش 5 بجنے والے ہیں، تو جناب آخری بات علامہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو جدید نفسیات کی جدید تفصیلات ہیں، اگر ان سب کو ہم دیکھیں تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ روحانی مشاہدے کی اساس کو ہم صرف نفسیاتی طریقوں سے نہیں ثابت کر سکتے، کیونکہ روحانی مشاہدہ نہ نفسیاتی حقیقت ہے، نہ ریاضیاتی اور کیمیائی حقیقت ہے، اور نہ ہی فزکس کا کوئی سبجیکٹ ہے، طبیعتی حقیقت ہے. اگر ہم جدید نفسیات کی روشنی میں اسپرچل ایکسپیرینس کو، ریلیجیس ایکسپیرینس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمارے آج کے ماہرین نفسیات بھی اسی طرح ناکام رہیں گے جس طرح لاک اور ہیوم ناکام رہے تھے. اس کے لیے آپ کو اس سے آگے بڑھنا ہوگا. اور جو علامہ نے بارِ جبریل میں کہا نا، نہ دیا نشان منزل مجھے اے حکیم تو نے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، مجھے کیا گلا ہو تجھ سے، تو نہ رہ نشیں نہ راہی. یعنی حکیم جو ہے، سائنسز کا ماہر، فلسفی ماہر نفسیات، فزسسٹ، کیمسٹ، بایولوجسٹ،
मैथमेटिशियन, साइंसेस वाले ये निशाने मंजिल नहीं दे सकते, क्योंकि ये उस रास्ते के मुसाफिर नहीं हैं। ना ही उस रास्ते से गुजरे, ना उस रास्ते का सफ़र किया, ना उस रास्ते की तलब की, तो निशाने मंजिल इनसे हमें नहीं मिल सकता। जिस हद तक उनसे आर्गुमेंट अखज़ किए जा सकते थे, निचोड़े जा सकते थे, वो अल्लामा ने लिए, उनको बरता और अपने थीसिस को एस्टेब्लिश किया, और जहाँ पे मायूसी होती है उनके यहाँ से, उसको भी हाईलाइट कर दिया कि ये उनके नकायस हैं जिनकी बुनियाद पे आप 100% उन पर डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि आपको अपनी एहसास की तरफ लौटना होगा, अपने मियार की तरफ लौटना होगा। तो जनाब, इसके बाद मौजू तो ये बनता है कि फिर रूहानी मुशाहदे के हमारे यहाँ इस्लामी तसव्वुफ में क्या खसाइस हैं, और फिर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि रूहानी मुशाहदा पॉसिबल कैसे है। लेकिन ज़ाहिर अभी वक्त बड़ा शार्ट है जी, अभी टाइम पूरा हो गया 5 बजे, तो अब हम कुछ वक्त सवाल जवाब के लिए रखते हैं। लास्ट टाइम भी ज़रा बदनज़मी होगी, बात नहीं हो सकी थी जनाब, तो नहीं, ये तो आज हमारा पहला खुतबा ख़त्म होगा जी। जो खुतबे का कंटेंट था ना जी, वो तकरीबन हमने डिस्कस कर लिया। ये दोनों बातें अलावा ने डिस्कस नहीं की हुई खुतबे में नहीं है, लेकिन ये आप ये कह सकते हैं ये खुतबे की एक्सटेंशन है, ये लाजमन होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये नहीं फैसला करते कि अब देखें ना, 10 एतराज़ तो अलावा ने कर दिए ना विलियम जेम्स पर, तो फिर है क्या आप किस क्राइटेरियन पर आके खुद रूहानी वारदात को जांचेंगे? और जिस रूहानी वारदात के ज़रिए आपको यकीन मिलना है, वो मिलेगा कैसे? जो अल्लामा हज़रत डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की जो किताब है खुतबात इकबाल तफहीम व तजज़िया, उसमें भी उन्होंने ये बात कही है कि जी हमने तो ये पढ़ा है खुद रूहानी तजर्बा, ये होता कहाँ से, मिलता कहाँ से है, वो भी तो कोई होना चाहिए ना। तो अल्लाह ने मौका दिया तो उसमें बात हो गई। जी जनाब, बिस्मिल्लाह। उनसे पहले आपने बेटा किया यानी आप ये फरमा रहे हैं कि ये हमारे थॉट प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं, थॉट प्रोसेस को भी इफेक्ट करते हैं और हमारी ओवरऑल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म के ऊपर इनका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का। हाँ जी बिल्कुल जी, तो हमने बात की है ना जी। देखें ना, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का इम्पैक्ट तो अल्लामा ये कह रहे हैं हर जिंदगी के तजर्बे की तरह, बल्कि उससे ज़्यादा होता है। इसी तो अल्लामा कह रहे हैं कि आपको एक साउंड फाउंडेशन ऑफ लाइफ के लिए स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। तो फिर ये जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, हम उनको इंस्टीट्यूशनली या साइकोलॉजिकली मेजरेबल करें। अब देखें, कॉन्सिक्वेंसेस का मेजरेबल होना तो शायद हमने डिस्कस भी नहीं किया। हमने ये डिस्कस किया कि 5 उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। देखें ना, ये डाइस है, ये स्याह है, हार्ड है, इसमें से करंट नहीं गुजरता, ये इसके करेक्टरिस्टिक्स है ना, ठीक है ना। तो हमने सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पे हम नहीं गए। रिलीजियस एक्सपीरियंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस पर थोड़ी सी बात हमने की है, इंडिविजुअल पे भी होंगे, कम्युनिटी पर भी होंगे, वो पहले बात हम कर चुके। इंडिविजुअल लेवल पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? इंडिविजुअल लेवल पे आपको ज़ाते हक की मौजूदगी का ऐसा एहसास होगा कि ज़ाते हक के औसाफ आपके अंदर फंक्शन करते हुए नजर आएंगे। इसलिए तो मंसूर ने अनाल हक कहा, अब मुस्तरफ नहीं जा रहे, ठीक गलत उधर नहीं जा रहे। कम्युनिटी की सतह पे क्या होगा? कम्युनिटी की सतह पे ये होगा, जब इस तरह के अफराद सोसाइटी में फंक्शन कर रहे होंगे तो सोसाइटी की मॉरल ग्राउंड, मॉरल स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, सोसाइटी की मॉरल टोन चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। अब जो इस्लाम का गोल्डन एज था जिसमें मुस्लिम मिस्टिक्स रियली फंक्शनल थे, उस वक़्त की मॉरल जो आप मेजरमेंट देखें और आज की देखें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आएगा। इसी तो अल्लामा कहते हैं उठा मदरसा और खानकाह से नमनाक, क्योंकि वो सब कुछ वीरान हो गया, 300 साल से हिंद के मैखाने बंद। वजह क्या है कि वो सारी कहानियाँ रह गई, वो हकीकत नहीं रही, अब हकायात रह गई हैं। कौम बिज़्ला की कहानियाँ तो हैं, कौम बिज़्ला कहने वाला कोई नहीं है। ये चीज़ जो हमारा रिलीजियस एक्सपीरियंस होता है इज एन एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ नॉलेज टू अस, टू एन इंडिविजुअल।
बिल्कुल ठीक है। जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अल्लामा ने देखें टाइटल में दो चीज़ें रखी ना, नॉलेज एंड रिलीजियस एक्सपीरियंस, यानी उन्होंने दोनों को एक पलड़े में, एक पलड़े में नॉलेज को रख दिया तराजू के, एक पलड़े में जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उसको रख दिया, बताया कि दोनों बराबर आपको इल्म देते हैं। अल्टीपल मर्पस कौन सा? कि वी नीड रिलीजियस एक्सपीरियंस टू सी फॉर टू गेट टुवर्ड्स टू एस्टैब्लिश अ स्ट्रांग कनेक्शन विद एन अल्टीमेट पर्पस, जो एक इंसान की जिंदगी का एक अल्टीमेट। जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अल्टीमेट पर्पस है क्या आपके ज़हन में, ये मैं जानना चाहता हूँ ना। देखें यस, ये बात है। देखें जैसे आप इस पे आते हैं ना, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि रिलीजियस एक्सपीरियंस आपकी ज़िंदगी के अल्टीमेट पर्पस के साथ कनेक्ट करने का आपको एतमाद देता है, आपको कैपेसिटी देता है, ठीक है। अब ये जो अल्टीमेट पर्पस के साथ कनेक्ट होना, ये छोटी बात नहीं है, ये अपने पूरे लाइफ पैटर्न को मेटामॉर्फिसाइज करना है, ठीक है ना। अब ये मेटामॉर्फिसाइज नहीं होगा जब तक आप इन रियल सेंस रिलीजियस एक्सपीरियंस से नहीं गुजरे। देखिए मैंने एक जुमला कहा था, हमारे यहाँ रिलीजियस एक्सपीरियंस का पहला प्री रिक्विजिट मोरलिटी है, पहला प्री रिक्विजिट, ठीक है ना। उसके बाद वो डिसिप्लिन है, अदरवाइज आपका जो रिलीजियस एक्सपीरियंस है ना, वो जेली की तरह होगा, जिस बर्तन में डाला वैसे ही बन गया, ऐसा नहीं है, उसका तो फायदा ही कोई नहीं है। जब तक आपकी आपकी जो खुदी है वो इतनी सॉलिड नहीं होती वो कायनात से टकरा सके, चैलेंज से टकरा सके, वो कब होगा? जब आप डिवाइन डिसिप्लिन अल्टीमेट पर्पस के डिसिप्लिन में आएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही आपने। इसके लिए जनाब हमें एक स्पिरिचुअल लेबॉरेटरी बनानी होगी हमें एक स्पिरिचुअल लैब डेवलप करनी होगी। गुजारिश ये है, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखिए ये जो बातें आप कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये बातें असर खिदमत है अल्लामा इकबाल की, आपकी बातें अल्लामा इकबाल की थाट की एप्लीकेशनल एक्सटेंशन है। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छेड़ेंगे, हमने माजल्ला और अजीम इकबाल की किताबों को फॉसिलाइज कर दिया है, फॉसिल बना के रख दिया। अब आपने जो बात की कि एक इतनी डाइवर्सिटी आ जाएगी, हर बंदे का अपना रिलीजियस एक्सपीरियंस होगा, तो ये तो फिर सरपटोल शुरू हो जाएगी। बात यह है, जब आप एक स्ट्रॉन्ग कॉमन रिलीजियस ग्राउंड पे खड़े होते हैं, उस ग्राउंड की बुनियाद पे आपके ऊपर होने वाले रिलीजियस जो रिविलीशंस हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होते हैं, एक दूसरे को रिफ्यूट करने वाले नहीं होते। इसकी मिसाल मैं आपको दूं, 1400 साल में जितने बड़े सलासले तरीकत हैं आपको कहीं सर फटोल नज़र नहीं आएगी। फुकहा में है, मुफसरीन में है, मुहद्दिसीन में है। मुझे बताएं कितने उलमा हैं जिन्होंने कहा फलां तबके का बंदा इस्लाम से खारिज। सुनते रहते हैं ना, कभी ये भी सुने किसी मिस्टेक ने कहा फलां मिस्टेक फारग हो, ऐसे ही है, सुने कभी किसी किताब में? मुझे बता दें किसी, मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, आपको नहीं मिलेगा। वजह यह है कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस का सफ़र है, जब आप एक प्यूरिफाइड ग्राउंड से खड़े होकर चलते हैं, शेड्स बदल सकते हैं, लेकिन वो शेड्स एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले होंगे, वो कन्फ्लिक्ट पैदा करने वाले नहीं होंगे। अच्छा जनाब कोई और भी? जी जनाब, क्या उसके अंदर कुछ ऐसे मराज थे जहाँ पर एक्सपीरियंस हुआ, फिर मुंतदा हो गया, फिर दोबारा हुआ, तो इसको हम किस तरह से देख सकते हैं?
जी हाँ बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की। देखें मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जब हम ये कहते हैं ना कि रिकंस्ट्रक्शन भी अल्लामा का एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, तो उसका मतलब पूरी किताब नहीं है। इस किताब के दौरान कई ऐसे थीम्स आपको मिलेंगे कि जिन पे आपको ये गुमान गुजरेगा कि अल्लामा ने यह बात लाजमन विजदान के तहत कही है, अक्ल के तहत ये बात कहना बहुत मुश्किल है, ठीक है ना। वो जो बात है उसको आप एक टोटेलिटी ही में देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं एक सादा सी मिसाल आपको देता हूँ। देखें आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी ना, यहाँ फिजिक्स के लोग भी बैठे होंगे, मुझे बताएं उसने किसी अकली बुनियाद पे दी, किसी थीसिस की बुनियाद पे दी, क्या उसकी ग्राउंड थी, कोई थी, उसका एक इंकशाफ था, ऐसा ही है कि नहीं है। कल की खबर है जेम्स वेब की टेलीस्कोप ने उसके नए एविडेंसेस उसके थॉन्टिसिटी के जो है फराम किए हैं, कल की खबर है। यानी इतना ज़माना सदी होने वाली है भाई, और उसकी अथेंटिसिटी के दलाइल आते जा रहे हैं। तो उसके पास तो कुछ लोग तो मजाक उड़ाते थे उसका, उसके पास तो कुछ नहीं था उस वक्त, एक इंकशाफ था जिसको उसने अपने विजदानी उसके तहत क्वाइन करके आपके सामने रख दिया। फिर जो भी उसने मैथमेटिकल भी किया सारा, लेकिन होता यह है बाज़ुकात कोई चीज़ विजदानी तौर पर, अब शायरी क्या है, शेर जो एकदम आप बता, जब शायर शेर कहता है, अगर वो जेन्युइन शायर हो, तुकबंद ना हो, तो वो शेर कहने के दौरान थोड़ा सोचता थोड़ा ही ये लफ्ज़ मैंने वहाँ रखना है, वो तो शेर लिखने के बाद देखता है अच्छा ये हो गया, हाँ उसके बाद फिर उसके जो शायराना महारत है, फिगुरेटिव एस्पेक्ट्स हैं, सनाए बदाए, वो फिर आता है, लेकिन इनिशियली नहीं होता। यही सूरत हाल यहाँ भी, यहाँ पर बहुत सी ऐसे थीम्स आपको मिलेंगे कि आप देखें कि उसकी कोई मिसाल नहीं। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ जो अभी मेरे जहन में आ रही है, जैसे अलावा ये कह रहे हैं दी एटम इज प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस इम्पोज बाई गॉड ऑन अ पार्टिकल, ना नो ऑन एन आइडिया, शायद मेरे लफ्ज़ तौर पर मैं आपसे भी कह रहा हूँ, अल्लामा कह रहे हैं एटम इज प्रॉपर्टी ऑफ एग्जिस्टेंस इम्पोज ऑन पार्टिकल ऑन एन आइडिया। एक आइडिया था उसको अल्लाह ने वजूद का लिबास पहना दिया तो एटम बन गया। अगर आपने एने साबता का साथ साथ तसव्वुर सुना हो तो आप इस जुमले को अप्रिशिएट करेंगे, अल्लामा ने क्या जुमला लिखा। अल्लामा ने लिखा कि अल्लाह का इलम हमें मजबूर कर देता है मुस्तकबिल के बारे में। ये हमारे यहाँ थीसिस है बहुत बड़ा कि आप मजबूर हैं या मैं एक काम कर रहा हूँ, एक बंदा गलती करता है, मुजरम जुर्म करता है, क्या अल्लाह को पता था कि नहीं था। अगर अल्लाह को पता है पहले से तो बंदे की क्या गलती है, और बंदे को अल्लाह को नहीं पता तो फिर अल्लाह कैसे है जो आलम कुल ही नहीं है। अब देखें अल्लामा इसका क्या जवाब देते हैं। अल्लामा कहते हैं हम इस तरह के मसले से कब दोचार होते हैं, तब दोचार होते हैं जब हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं कि वी हैव नो वर्ड फॉर नॉलेज विच इज़ क्रिएटर ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट। हमारा इलम मालूमात से शुरू होता है, ये बोतल थी तो मुझे पता है, वो इलम जो अपनी मालूमात को पैदा भी साथ ही करता जा रहा है उसका हमें कोई तसव्वुर नहीं है। आप अल्लाह के इलम को इंसान की सतह पे ला के कह रहे हैं तब आप कह रहे हैं अल्लाह के जानने से मैं मजबूर हुआ, ऐसी बात नहीं है। उसका इलम क्या है, वो इब्न अरबी का बड़ा मारूफ मकालमा है ना जिसको अल्लामा ने भी कोट किया है कि इब्लीस अल्लाह के सामने गया और अल्लाह को कहने लगा ऐ अल्लाह मैंने इनकार तो किया लेकिन तेरी मशीयत ही ऐसी थी, अगर तेरी मशीयत ना होती तो मैं कभी इनकार ना करता। तो अल्लाह ने कहा अच्छा जी आज तो बड़े ज़हीन हो, बड़े अरसे बाद तुम्हें कोई बात याद आई, ये बताओ तुम्हें इस बात का पता इनकार करने से पहले चला कि बाद में। शैतान चुप। अब अल्लाह पाक ने मलाइका को देखा, कहा इस बेवकूफ़ को देखो, मैं अब अल्लामा की बात आपको कर रहा हूँ, इस बेवकूफ़ को देखो मैंने इसे बनाया था शोला और ये अपने आप को समझते धुआं। मैंने तो उसे धुआं नहीं बनाया था, लेकिन असल बात आगे भी है। हज़रत शेख फरमाते हैं इब्न अरबी कि जब शैतान चुप हो गया ना तो अल्लाह पाक ने फरमाया भाई बात सुनो, अगर तुम्हें ये पता है था पहले से कि मैं नहीं चाहता और तुमने इससे सजदा नहीं किया फिर तो तुम उस मुकाम के अमलों को मलाइका और इंसान दोनों तुम्हें सजदा करें, इतने बड़े आरफ हो, और अगर तुम्हें पता नहीं था तो तुम्हें रोका किसने था सजदा करने से, जब दफा हो। बात यह है कि अब ये जो अल्लामा ने इल्म को डिफाइन कर दिया, मेरे तालिब मैं एक बड़ा छोटा सा स्टूडेंट हूँ, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी हमारे इल्म के नाम में, कि आप
अल्लाह के इलम को अपने इलम से हटा के देखें, सारे मसले तकदीर के हल हो जाएंगे। ये बात किसी ने नहीं कही, इकबाल ने कही है। तो ये जो अभी आप रिकंस्ट्रक्शन का कह रहे थे, तो सारी रिकंस्ट्रक्शन तो ज़ाहिर इल्मी कारनामे अल्लामा का, लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको जिनके अंदर हमें अल्लामा का वजदान रवा दवा नज़र आता है। जनाब आप अच्छा जी सारी बातें बता दूं, फिर साहब बुलाएंगे कब हमें? उन्होंने तो फिर नहीं बुलाना दोबारा। जी बिस्मिल्लाह, बड़ी अच्छी बात है जी। देखें बात यह है, आपने दो तीन बातें की कि रिलीजियस एक्सपीरियंस हमें अला तार मकसद तक ले जाने में बुनियाद बने, तो ये क्लियर होना चाहिए अला तार मकसद है कि इससे। मैंने बेटी से चार पांच मरतबा ये बुलवाया कि वो अला तार मकसद है क्या, अल्टीमेट पर्पज़ ये तो नहीं CSS क्वालिफाई करना, ये पता तो चले ना है क्या जहन में, है जी मैं जनरल बन जाऊँ, DC बन जाऊँ, फलाम बन जाऊँ, ये तो नहीं है कहीं। देखें पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि अला तार मकसद है मार्फत खुदाबंद, उसके साथ हमारी सारी कदर है, हैं जी। तो वो लामा ने कहा ना कि गोहर में आप एक गोहर के सिवा कुछ और नहीं, हम एक गोहर हैं और हमारी आब ज़ात हक़ की मार्फत है, हम तलवार हैं और हमारी धार ज़ात हक़ की मार्फत है, वरना फिर लोहे का डंडा है कुछ फ़ायदा नहीं। अब इसके लिए बुनियाद है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। अब मैं आपको बड़ी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो यहाँ नहीं हो सकी। देखें ये सारा कुछ अल्लामा क्यों कर रहे हैं, जब आपको ये पता चल गया कि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस एक हकीकत है और इसके बगैर गुजारा नहीं है, यहाँ तक आप पहुँच गए, अब आप उसकी तलाश में चल पड़े। अल्लामा आपको ये बता रहे हैं, शनास आना के गोयद मा अरफनाक, हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते, उसको पहचानो जिसने कहा है अल्लाह हमने तुझे नहीं पहचाना। कुरान मजीद रसूलुल्लाह का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है और आपके सामने है, आप इस पर कायम हो जाए। जब आप इस पर कायम हो जाएंगे तो आपके सामने सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के दरवाजे खुल जाएंगे। अल्लामा रिकंस्ट्रक्शन में जो बुनियादी काम कर रहे हैं वो ये हैं कि हमारे और कुरान मजीद के दरमियान जो शक की दीवारें खड़ी हैं उन दीवारों को हटाया जाए। असल बात ये है, देखें अगर आप सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को बुनियाद बनाएंगे आगे बढ़ने की तो ये बड़ा ख़तरनाक काम है। देखें अभी आपने इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद जाने के हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन सेफ रास्ता वो है जिस पे सारे जा रहे हैं, जैसे गाड़ी दें ठोकर से मोटरवे पे चढ़ें, चार घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। आप पे कोई पाबंदी नहीं है कि आप इधर से भी इधर जाएं, कोई नहीं रोकता, लेकिन तबाही है। और अगर रास्ता बना के जाना चाहते हैं तो शायद आपका पोता पड़पोता ही पहुँचेगा इस्लामाबाद। महफूज ये कि जिस पर सारी खलका खुदा जा रही है, पहले से मोटरवे बनी हुई है, आपके सामने मोटरवे मौजूद है, दैट इज़ होली कुरान। जब आप इसको ले कर चलेंगे आप अपनी मोरालिटी को इस्टेब्लिश करेंगे इसकी रोशनी में, और मोरालिटी को इस्टेब्लिश करके इसके दीव डिसिप्लिन को अपना डिसिप्लिन बनाएंगे, बतदरीज आपको तजर्बा होगा कि आपके लिए विजिबल और इनविजिबल एक जैसे होते जा रहे हैं। यानी बहुत शॉर्ट वे में अगर रिकंस्ट्रक्शन का खुलासा आपके सामने रखूं तो मॉरल ग्राउंड को मजबूत करने के बाद अगला जो मरहला है वो है जिक्र और फिक्र। देखें ना लामा ने कहा है कि प्रेयर, कौन सी चीज़ें जो हमें ज़ाते हक़ से वासिल करती है, प्रेयर जो पैगंबर खुदा के लामा ने लिखे आखिरी दौरान आपकी ज़ुबान पे था। अब प्रेयर का माना क्या है, हर एक ने अपने अपना किया हुआ है, मैं ये समझता हूँ कि इसका सबसे जामे माना है जिक्र। इबादत भी है लेकिन इबादत वक्ती होती है, नमाज भी है, नमाज का एक वक्त है, जिक्र एक ऐसी चीज़ है जिसका कोई वक्त नहीं है।
फ़ज़कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून। और नमाज का मकसद ही जिक्र है, अकीमि सलात लिज़िक्री, लेकिन इससे मुराद नमाज छोड़ना नहीं, ये ज़हन में रखिएगा, नमाज पढ़नी है, उसकी अपनी अहमियत है। रोज़ा जिक्र के लिए, हज जिक्र के लिए, पूरा कुरान आप पढ़ के देख लें, वाला ज़िक्रुल्लाह अकबर। अच्छा जिक्र क्या है, ये भी मैं अर्ज़ करूँ, जिक्र ज़ुबान से अल्लाह अल्लाह करने का नाम नहीं है, जिक्र अल्लाह को महसूस करने का नाम है। जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो अब देखें, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मुझे बाहर हाल में खड़ा कर दें, खाली हाल में कोई बंदा ना बैठा हो, ये बात करें, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, मेरे सामने आप नहीं हैं, बातें मुझे याद हैं सारी, और मैं बातें शायद सारी कह भी दूँ, उसमें वो इम्पैक्ट नहीं होगा जो आपकी हजूरी में इम्पैक्ट है। हजूरी का मतलब क्या, प्रेजेंस। जिक्र का मतलब है टू एक्सपीरियंस द प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। देखें आपने बार बार एक लफ्ज़ यहाँ से सुना, ईमान के अंदर कॉग्निशन होता है, ईमान अंधाधुंध अकीदे का नाम नहीं है। कॉग्निशन किसको कहते हैं, इदराक को। जिक्र में कॉग्निशन होता है, वो जिक्र जिसमें कॉग्निशन नहीं है, वो कोलू की बैल की हरकत है, उसको कोई फायदा नहीं है। वो जिक्र आपको मंजिल पे लेके जाता है जिसमें कॉग्निशन है। जब आप जिक्र को अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, यानी अल्लाह को भूलते नहीं हैं, इन तनसुल्ला यनसाकुम फ़ज़कुरुल्लाह यज़्कुरकुम, अगर अल्लाह को याद करोगे अल्लाह तुम्हें याद करेगा, तुम अल्लाह को भूलोगे अल्लाह तुम्हें भुला देगा, ये कुरान मजीद है। जब आप अल्लाह को याद करोगे फिर अल्लाह आपको नहीं भुलाएगा। अच्छा उसके बाद उसका असर ज़िंदगी में आना शुरू हो जाएगा, वो असर तीन चार फेजेज में आएगा। उसका सबसे पहला असर फिजिकल होगा, मैंने आपको अभी आप दो मिनट पहले भी मैंने अर्ज़ किया था कि मुस्लिम तसव्वुफ़ में स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फिजिकल भी होता है और मेटाफिजिकल दोनों इम्पैक्ट लेके आता है। फिजिकल क्या होगा, आप कुरान शरीफ जाके पढ़िएगा सातवें पारे की पहली आयत, ये चूंकि मारूफ फौरन बंदा पहुंच जाता है ना, अहले ईमान का खासा ये है जब वो अल्लाह की आयतें सुनते हैं तो उनकी आंखें छम छम बरसती हैं, तज़दाद ईमान हो, उनके ईमान में इजाफा होता है, उनके यकीन में इजाफा होता है। और लामा की जिंदगी इससे इबारत थी, वो आया ना कोई नान मुस्लिम अल्लामा को देख मिलने के लिए, अंग्रेज़ कोई भी था, तो अल्लामा तिलावत कर रहे थे, जब किताब बंद की उन्होंने क्या पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा मैं कुरान, अल्लामा ने फरमाया मैं कुरान जीत पढ़ रहा था। उसने कहा जिंदगी में पहला वकील देखा जो अपने कानून की किताब पढ़ते हुए रोता भी है, हमने तो ऐसा वकील कोई नहीं देखा, अजीब वकील है, क्योंकि उनके नज़दीक तो कुरान जीत क्या है, कानून की किताब है ना, उन्होंने कानून की किताब PPC और CRPC और PLD भी पढ़ते हुए रोता है, अजीब है, अजीब वकील है। तो पहला इम्पैक्ट क्या होगा, दूसरा इम्पैक्ट क्या होगा, बड़ी नुक्ते की बात आपको रस करता हूँ, आपकी ज़िंदगी में इस्तिकामत आएगी। ज़ाते हक के हवाले से किसी ना किसी पहलू से आपकी ज़िंदगी में इस्तिकामत आ जाएगी, ठहराव आ जाएगा, कोई एक आपकी ज़िंदगी में ऐसा अमल ज़रूर आएगा जो अमल आपसे कभी नहीं छूटेगा। ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, इसलिए सूफिया कहते हैं अल इस्तिकामत फौकल करामत है, और ये सूरह जिन की आयत से साबित है, अल इस्तिकामत फौकल करामत है कि दो माना है, एक माना यह कि इस्तिकामत का दर्जा करामत से ज़्यादा है, करामत तो आप समझते हैं ना, और दूसरा माना यह इस्तिकामत पहले है करामत बाद में, इस्तिकामत आपकी ज़िंदगी में आ जाएगी। कोई एक पहलू मसलन आप तहज्जुद पे कायम हो जाएंगे, या कोई ऐसा नेक अमल आपकी ज़िंदगी में ऐसा कायम हो जाएगा, कोई मर जाए, मुसीबत आए, बीमारी आए, ये मैं आपको लिख के देता हूँ, ये बड़े ऑथेंटिक लोगों की बात आपके सामने रख रहा हूँ, वो अमल आपसे नहीं छूटेगा। अगर ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो जाए तो समझें कि खुदा ने आपका हाथ पकड़ लिया, अब खुदा आपसे अलग नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए तो समझें कि खुशनसीबी का आगाज़ हो गया, और फिर अगले मरले जो हैं उनमें एक इम्पॉर्टेंट ये है, आपको मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम एंड स्पेस का एक्सपीरियंस होगा। इश्क की तकवीम में असर रवान के सिवा और भी ज़माने हैं कि जिनका नहीं कोई नाम, ये कुछ ये शायरी नहीं है, दिस इज़ रियलिटी। अब देखें कुरान मजीद है, सूरह अनफाल पढ़ें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शायद फरमाया, जब ये आप लोग आमने सामने हुए थे तो हमने क्या किया, इस अराकुम अराकहुम कलीलन कसीरन लफशिल तुम व जो कल लकुम कसी कलीला, हमने क्या किया, कुफार को दिखाया कि मुसलमान थोड़े हैं,
अगर हम उनको ज्यादा दिखाते तो वो भाग जाते। मुसलमानों को ये दिखाया कि कुफार तादाद में थोड़े, हालांकि वो तीन गुना थे। अगर मुसलमानों को कुफार ज्यादा दिखाते तो मुसलमान कमजोर पड़ जाते। वजह क्या? अल्लाह चाहता है मैं चाहता था तुम्हारा टकराव हो, कुल हक तब वो युक्त बातिल, हक और बातिल होना अलग अलग निखर जाए। और अल्लाह इसको योम फुरकान का सूरह इन्फाल के अंदर, और पहले माहौल बनाया था, कुछ जमा कुछ था, मकान कुछ था, और मुशाहदा जमा मकान कुछ हो रहा था। ये कुरान मजीद है, और ये मामला तारीखी या वकायाती नहीं है, वाकयाती है। ये वाकया हो चुका है, ये वो वाकया है हुजूर वाला जिसको आप हर साल सेलिब्रेट करते हैं रमज़ान में, योम बदर, योम फुरकान, जिसको इस्लाम की बुनियाद कहा जाता है, उसको कुरान बयान कर रहा है। तो ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ टाइम्स एंड स्पेसेस, इसका तजर्बा ये एक हकीकत के तौर पर ज़िंदगी में आता है। फिर आपका असलूब अमल बदलता है, आपका पैटर्न बदलता है, फिर इंसान का यकीन माहौल को तब्दील करता है। यकीन मर्द मोमन है खुदा के राजदान में। इकबाल ने जितनी बातें की हुई इनके पीछे एक हिस्ट्री है, ये शायरी नहीं है, इसके पीछे एक तजर्बा है। अब आप देखें ना भाई, कोई तो बंदा था ना, जिस तरह आज हम बैठे हैं, आज तो फिर ज़्यादा लोग बैठे हैं, अल्लामा के सामने तो आधे से ज़्यादा कुर्सियाँ खाली थी जब खुतबा इलाहाबाद दे रहे थे, और कह रहे जी हम अलग मुल्क बनाएंगे ये वो, लोग कह रहे हैं शायरी पढ़ी जा रहे हैं, और सब लोगों ने खुतबे को उठा के फेंक दिया, किसी को समझ नहीं अल्लामा क्या कह रहे हैं। और अल्लामा खुतबा देते बार बार ऊपर देखते थे, मुझे कोई दादे तहसीन से देखे तो सब मुंह लटका के बैठे थे, क्या कह रहे हैं किसी को नहीं पता। क्या यकीन था इकबाल का, किससे वो बात कर रहे थे, और वह हुआ। तो ये जो जो बात आपने की थी, मैं फिर उसी नुक्ते पे आऊँगा। अल्लामा हमें रसूलुल्लाह के स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के ऊपर यकीन के साथ कायम करना चाहते हैं, दैट इज़ होली कुरान। जी जनाब, और जी टाइम थोड़ा ही रह गया जी, बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, कोई शक नहीं। देखिए कुरान मजीद तो हर हर कदम पे आपको मिसालें भी देगा, इलाबरेट भी आपको चीज़ें होंगी। जी बेटा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें अल्लामा जिस तरफ हम जा रहे हैं ना, मैंने अर्ज़ किया पहले भी बात की थी, ये अल्लामा का इस्लामी तसव्वुफ के अंदर इज्तिहाद है कि उन्होंने फ़िक्र और विजदान को एक ही साबित किया, और फ़िक्र को पुल बनाया ज़ात हक़ तक पहुँचने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगर आप इस चीज़ को समझ जाएँ और इसको एक सिस्टम में ट्रांसलेट कर दें, तो वो जो अल्लामा ने कहा था ना कि फिजियोलॉजिकली लेस इंटेंसिव और साइकोलॉजिकली मोर सूटेबल फॉर द कंक्रीट माइंड ऑफ मॉडर्न टाइम्स, कि वो जो माजी के मुजाहिदे थे। देखें, हमने एक रवायत सुनी अहले इलम और अहले नज़र से, पढ़ी नहीं मैंने, मैं आपके सामने कोट कर देता हूँ। आप सबने शायद फरमाया सैन अली मुर्तज़ा को, अली जो दूसरे लोगों ने, मफहूम यह है, मेरे दूसरे साथियों ने जो मंजिलें मुजाहिदे से तय की, तो उन्हें फहम से तय की, चूँकि आप बाबुल इल्म है। ये जो फहम है ना जी, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। वाहिद चीज़ फहम है, फिक्र है, अल्लाह ने जिसके इजाफे के लिए आपको हुक्म दिया, रब ज़िदनी इल्मा। ना ना, मैं और तरफ जा रहा हूँ, मैं अर्ज़ करता हूँ, मैं उस तरफ नहीं, मैं दूसरी तरफ जा रहा हूँ। पहले ये चीज़ अर्ज़ कर दूँ कि ये जो फहम, ये जो शऊर अल्लाह ने आपको दिया है, इल्म दिया है, ये सारे उसके शेड्स हैं। इल्म, शऊर, अंडरस्टैंडिंग, फहम, फिक्र, असल तो एक ही चीज़ है ना, उसके फीचर्स की वजह से आप उसको मुख्तलिफ टाइटल्स देते हैं। इसी इंसान के अंदर सब कुछ है ना। ये जो फिक्र है, ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि सिर्फ इसकी बेहतरी के लिए इल्म की इजाफे की दुआ आपको सिखाई गई है। देखें, आप खाना खाते हैं तो आप क्या कहते हैं, क्या दुआ करते हैं, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे नेमत दी।
वाहिद एक चीज़ है जिसको खाने के बाद आप ये दुआ नहीं करते, वो है दूध। आप जब दूध पीते हैं तो आपको हुक्म है आप ये दुआ ना करें, आप ये कहें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना बारिक लना फी है वजिद लना मिन हो, अल्लाह तेरा शुक्र तूने हमें दूध से नवाजा, इसमें बरकत दे और हमारे लिए और इजाफा कर। वजह क्या है? वजह यह दूध इस्तियारा इल्म है। आप जब मेराज पे गए तो आपको पेश किया गया शराब और दूध का प्याला, तो आपने दूध को उठाया। यानी अल्लाह ने आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको यह तालीम दी है कि इल्म को और फिक्र को बढ़ाओ। पहली तो ये बात है, इस तरह ये अहम है। अल्लामा ने क्या किया? अल्लामा आपको ये बता रहे हैं कि इस फिक्र को डेवलप करके आप उस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस तक पहुंच सकते हैं जिस तक पहले सूफिया मुजाहिदात के ज़रिए पहुंचे। वो ये अल्लामा आपको ये कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कि अब उस फिक्र को डेवलप कैसे करें और वहाँ तक कैसे पहुँचें, तो ज़ाहिर है ये फिर एक अलग नशिस्त का तकाजा करता है। तीन चार चीज़ें मिक्स हो गई जी, मैं इसको ज़रा कंसोलिडेट और इंटरलिंक करके रस करता हूँ कि अल्लामा ये फरमाते हैं कि जिस वक़्त बंदे को ज़ात हक़ का मुशाहिदा होता है तो उस वक़्त उस मुशाहिदे की शिद्दत की वजह से वो पैसे हो जाता है। जब पैसे हो जाता है तो उसका ये पैसे हो जाना ये मतलब नहीं है कि वो ज़ात हक़ के गैर एक अलग चीज़ था। मैं सादा अल्फाज में कह रहा हूँ, लफ्ज़ लफ्ज़ इसको कहीं ना करें आप इसकी बुनियाद पे कोई चीज़ न, मैं समझाने के लिए क्योंकि वक्त भी कम है और डायरेक्ट ज़रा बात भी कम्युनिकेट हो जाए। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात को समझ रहे हैं, मैं बात करने वाला हूँ आप समझने वाले हैं, हम एक दूसरे के गैर हैं। बंदा अल्लाह को देखने वाला है, उस तरह नहीं देखने वाला जैसा मैं देख रहा हूँ आप, मैं रूहानी मुशाहिदे से गुजरने वाला है और ज़ात हक बीइंग एक्सपीरियंस्ड सेल्फ है, उसका मुशाहिदा हो रहा है। जिस तरह हम एक दूसरे के गैर के तौर पे हैं, ऑब्जर्वर मिस्टिक और एक्सपीरियंस्ड सेल्फ ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह, इस तरह एक दूसरे के गैर नहीं हैं। अगली आपकी बात, लेकिन ऐन भी नहीं है, ये भी जहन में रखिएगा, ऐन में ऐन यक दिगर भी नहीं है, ठीक है ना। जब मैं आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मेरा इमेज मैं नहीं होता लेकिन मेरा गैर भी नहीं होता, ठीक है। अब अगला जो आपका क्वेश्चन था, क्या ये सीरियल टाइम में होता है कि प्योर ड्यूरेशन में होता है? देखें, सीरियल टाइम कहाँ है और प्योर ड्यूरेशन कहाँ है, ये सारा इधर है, बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो जहाँ पे ये है वहीं पे टाइम है। आपका शऊर कहाँ है? बस सादा सी बात है, ये शऊर हर चीज देखें। आप सबसे मेराज पे गए, सईदा आयशा सदीका ने देखा उधर ही है, ठीक है। हमारा ईमान है, उम्मत मुस्लिमा का मुतफक्का अकीदा है, हजूर की मेराज जिस्मानी है और जो कुरान मजीद से साबित है, दीस से भी नहीं, कुरान मजीद से साबित है। उम्मत मुस्लिमा की एक अथॉरिटी भी ऐसी नहीं है जो ये मानती हो कि ये जिस्मानी मेराज नहीं है, और सईदा आयशा सिद्दीका कह रही है वही है। तो ये जमा बाहर कहीं नहीं है, तो वो जो तजर्बा जिससे गुजर रहा है मिस्टेक, वो फैसला करेगा कि उस वक्त वो सीरियल टाइम में है या प्योर ड्यूरेशन में है। जनाब ठीक हो गया जी, मैं हाजिर हूँ जी, ज़्यादा साहब जब तक इजाज़त दें। जी जनाब, सर सवाल ये है कि जो वही हजूर के है वो लफ्जी उससे जो मुताबिक बनाया कि वो वक्त के मुताबिक थे या उसके भी इंटरवल में थे,
दूसरा ये कि अगर उसी रोशनी में अगर कुरान को कोई तर्जमा किया जाता है या कोई तफसीर की जाती है तो वो सब्जेक्टिव उसको मीनिंग दिया जाता है, तो उसकी जो ऑब्जेक्टिव ऑथेंटिसिटी या क्रेडिबिलिटी है वो कहाँ से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अभी हम बात भी कर चुके वही लफजन और मानन आई जिन ये अल्फाज अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़िल हैं बल्कि मुनज़्ज़ल हैं, अल्लाह ने नाज़िल किए हैं। तरतीब जैसे अल्लाह की मशीयत थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इसको मुरतब करवाया। माना भी कोई एक ऐसा लफ्ज़ भी नहीं है जो माना से खाली हो सवाए रूह मुकद्दात के, जिस पे बड़ी वाज़ह इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। कुरान मजीद के अंदर मुहकमात भी हैं और मुतशाबेहात भी हैं और दोनों की इंटरप्रिटेशन का डिसिप्लिन मौजूद है, लिहाजा इबहाम कहीं नहीं है। अब अगली जो आपके क्वेश्चन का हिस्सा है कि इसके भी जो तफसीरें इतनी ज़्यादा हो रही हैं उनके ऑब्जेक्टिव अथेंटिसिटी वो सब्जेक्टिव तो नहीं है, कहीं को करने वाले सब्जेक्टिव हैं लेकिन उसकी पैराडाइम सब्जेक्टिव नहीं है, पैराडाइम तय है, डिसिप्लिन तय है। और जाहिर है ये किताबें जिंदा है, इसके मानी क़यामत तक खुलते रहेंगे ता आके सूरज मगरब से तुलू हो जाए, उस दिन तक इसके मानी खुलते रहेंगे। इसलिए तो ये कायनाती किताब है, ये हकीकी माना में लिविंग बुक है, तकदीर उमम की अमल अल्लामा के अल्फाज में किताब है, किसकी तौज़ियात होती रहेंगी और वह तौज़ियात पहली तौज़ियात की एक्सटेंशन होंगी, उसकी रिफ्यूटेशन या उसकी कन्फ्लिक्ट उसके साथ नहीं कर रही होंगी, उसको रिफ्यूट नहीं कर रही होंगी, उसका रद्द नहीं होंगी। लिहाजा इसमें कोई मसला ये ऑब्जेक्टिव अथेंटिसिटी का कभी इसलिए पैदा नहीं हो सकता कि आप कोई ऐसा माना लेके आ रही हूँ जो माजी से कंट्रडिक्टरी हो, अगर हुआ तो उम्मत ने उसको कभी कबूल नहीं किया। मिसालें बीसियों यहाँ दी जा सकती हैं, एक आध नस्ल तक चला और ख़ुद बहुत ख़त्म हो गया, या उम्मत ने जो मेन स्ट्रीम है उसने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, उसको ऑन नहीं किया। हर दौर में होते रहे हैं ऐसी कोशिशें कुरान मजीद के ऐसे मफाहिम लेने की, और वेस्ट में अब भी बहुत सी ऐसी कोशिशें हो रही हैं, ऐसे मफाहिम निकाले जा रहे हैं, लेकिन कभी भी उनको उम्मत ने और उम्मत के अथॉरिटीज़ ने एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया।